अभी हम फाइनली लाइव है और आज का सेशन छोटा सा सेशन हमारा रहेगा जहाँ पर हम इंडस वन वन फाइव के आर टी पी एम टी पी और पास पेपर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे उससे पहले मुझे बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो वगैरह सब कुछ परफेक्ट है आपको वॉइस वगैरह सब कुछ परफेक्टली आ रही है ये मुझे कन्फर्म कर दीजिए उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे और एक बात बता देता हूँ इंडस वन वन फाइव का हमने अराउंड सिक्स एंड हाफ आवर्स का एक रिविजन वीडियो हमने डाला हुआ है ऑलरेडी वहाँ पर सारे कंसेप्ट अच्छे से कराए गए हैं और साथ ही साथ क्वेश्चन भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एस एम के क्वेश्चन है एस एम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे भी वहाँ पर करवाए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ पर करवाए हमने ये सेशन में हम क्या करेंगे जो आर टी पी एम टी पी के कुछ कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जैसे कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स का एक अच्छा क्वेश्चन है निवान वाले एक अच्छा क्वेश्चन है और भी कुछ कुछ अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन है वन वन फाइव के वो सारे क्वेश्चन अभी हम क्या करेंगे डिस्कस कर लेंगे इसके साथ साथ एक और इलास्टेशन फिफ्टी सिक्स भी है जिसमें बच्चे को दिक्कत रहती है इलास्टेशन फिफ्टी सिक्स मुझे याद है तो इलस्टेशन फिफ्टी सिक्स भी हम क्या करेंगे यहाँ पर हम लास्ट में वो भी डिस्कस कर लेंगे तो मेरे ख्याल से जो वन वन फाइव का आपने जिसने भी वो साढ़े छः घंटे का रिविजन वीडियो देखा है उसके बाद ये वाली करने पर मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन आपके कवरेज है क्योंकि वन वन फाइव से हमें पता है वन वन फाइव से क्वेश्चन तो आते हैं ये हमें पता है और शोर शॉट आएंगे ट्वेल्व मार्क्स मिनिमम शोर शॉट आएगा सिक्सटीन मार्क्स का भी हमारा पूछा जा सकता है इंडेस वन से तो इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता और इसी वजह से मैंने सोचा कि एक छोटा सा एक सेशन रखते हैं और इस छोटे से सेशन में हम क्या करेंगे वन वन फाइव के सभी क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे ट्वेंटी सिक्स को ट्वेंटी सिक्स ऑफ अक्टूबर को हम मैराथन रिविजन रखेंगे जहाँ पर हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वन वन फाइव वन वन सिक्स वन जीरो थ्री वन वन जीरो वन जीरो टू एनालिस ऑफ फाइनेस स्टेटमेंट वन जीरो वन है ना और कॉन्सोलिडेशन के जितने एंड है वो सभी हम वहाँ पर मैराथन में तो रिवाइज करेंगे चलिए तो अभी आई थिंक सब कुछ परफेक्ट है तो अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं और चलिए जल्दी से फटाफट आ जाइए अभी हम स्टार्ट करते हैं ठीक है और कल हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग हमारा फाइव डेज प्लान एफ आर का और एस एफ एम का थ्री डेज प्लान वो हम कल डिस्कस कर लेंगे चलो तो अभी मैं सबसे पहले आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा क्वेश्चन नंबर वन हमारे क्वेश्चन बैंक में मिलेगा क्वेश्चन बैंक भी मैंने पीडीएफ शेयर किया हुआ है आपको और इसके जो नोट्स है क्वेश्चन के साथ ये भी मैं लास्ट में आखिर में शेयर कर दूंगा फिलहाल आप स्क्रीन को देखते रहिए मैं ये लास्ट में शैर कर दूंगा तो चलिए क्वेश्चन नंबर वन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो अगर आप नहीं करके जाओगे तो आपसे नहीं होने वाला लेकिन अगर कर लिया अभी और एग्जाम में चांस पूछने पूछने का बहुत है question, पूछने का बहुत है क्वेश्चन तो आप कर लोगे अभी तो ही एग्जाम में आप कर पाओगे चलिए क्वेश्चन नंबर वन स्टार्ट करते हैं हम देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे रन से डिपार्टमेंटल स्टोर विच अवार्स टेन पॉइंट्स फॉर एवरी रुपीज फाइव हंड्रेड परचेज विच कैन बी डिस्काउंटेड बाय द कस्टमर फॉर फर्दर शॉपिंग यानी जैसे हम जाते हैं ना पेंटालूस वगैरह में भी तो आप देखना परचेसेस करते या फिर कोई भी ब्रांडेड शोरूम में जाते हम परचेस करते तो वो हमें पॉइंट्स रिवार्ड करते हैं और वो पॉइंट्स एक्यूमेलेट हो जाता है तो उस एक्यूमेलेटेड पॉइंट्स को बाद में हम यूज करके ना हमें डिस्काउंट मिल जाता है हम फर्दर परचेज करने पर जितना पॉइंट्स एक्यूमेलेट होता है तो वैसे यहां पर कि फाइव हंड्रेड रुपीज का परचेज करने पर आपका टेन पॉइंट्स एक्यूमेलेट होगा साथ में लिखा हुआ है कि ये जो अनयूटिलाइज पॉइंट्स है ये दो साल में एक्सपायर भी हो जाएगा अगर दो साल तक यूज नहीं किया और एक हर एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है पॉइंट फाइव जीरो मेरी बात सुनो आप

यानी उंटनसेंट फाइव बाई फाइव हंड्रेड इन टू हंड्रेड कितना होता? 1 कहने का मुझे वन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा यह मैंने साफ यहां पर पता कर लिया अदरवाइज एग्जाम के लिए अगर आप वन तो परसेंट तो, तो, तो मैंने निकाला ही है और यहां पर आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है कि एन ने ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड यहाँ पर एन ने क्या किया अवार्ड किया हंड्रेड लाख पॉइंट्स एंटिटी ने अवार्ड किया चलो ये बात की बात है हम यहाँ पर पॉइंट नंबर वन की बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट नंबर वन में क्या बोला हाउ सुड द ऊपर का पॉइंट हमें नहीं पढ़ना है एक बार यहाँ तक की बात हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर हमें पहला पॉइंट में क्या बोला इन्होंने हाउ शुड द रिकॉग्निशन बी डन फॉर द सेल ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज टेन लाख ऑन ए पार्टिकुलर डे तो अगर टेन लाख रुपीज पार्टिकुलर डे में अगर टेन लाख रुपीज का सेल होगा तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या रिकॉग्निशन कैसे करें तो आप मेरी बात सुनो अगर टेन लाख रुपीज का एंटिटी सेल करेगी तो यहां पर पॉइंट्स कितना देगी पहले ये देख लो हमने तो ऐसे निकाल ही लिया कि वन परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है कहीं ना कहीं तो टेन लाख ,00 का वन परसेंट कितना होगा टेन थाउजेंड रुपीज का डिस्काउंट फ्यूचर में मिलने वाला डायरेक्टली पता चलेगा टेन लाख ,00 का वन परसेंट अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हो कि फाइव हंड्रेड रुपीज में अगर टेन पॉइंट्स मिलेगा तो हमें पता है तो ऐसे करने पर हमारा टेन लाख रुपीज में कितना पॉइंट मिलेगा यह हम निकाल लेंगे इन कर देंगे

तो आज हमें टेन लाख रुपीज का कंसिडरेशन मिल रहा है उसके बदले आज मैं आपको गुड्स दे रहा हूँ टेन लाख रुपीज का और फ्यूचर में मैं आपको टेन थाउजेंड रुपीज का डिस्काउंट दूंगा तो देखा जाए तो मैं दो परफॉर्मेंस सेटिस्फाई कर रहा हूँ आज मैं आपसे लाख ले रहा हूं। आज तो आज एक परफॉर्मेंस सेटिस्फाई हो रहा है टेन लाख रुपीज का गुड्स आज दे दूंगा और एक परफॉर्मेंस ऑप्लीकेशन फ्यूचर में सेटिस्फाई होगा जब भी फ्यूचर में आप परचेस करोगे टेन थाउजेंड रुपीज में आपसे पैसे नहीं लूंगा फ्यूचर का टेन थाउजेंड रुपीज आपको डिस्काउंट मिल जाएगा तो यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है कंसीडरेशन मुझे टेन लाख रुपीस मिल रहा है एक दिन का जिसमें आज मैं गुड्स सेल कर रहा हूं टेन लाख रुपीस का इस कंसीडरेशन में और फ्यूचर में भी टेन थाउजेंड रुपीज का डिस्काउंट दूंगा मतलब फ्यूचर में भी मैं सेल करूंगा तो दो अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आज सेटिस्फाई हो जाएगा तो इसका रेवेन्यू आज दिखा देंगे ये परफॉर्मेंस ऑप्लीकेशन फ्यूचर में सेटिस्फाई होगा तो फ्यूचर में रेवेन्यू दिखाया जाएगा बेसिस में जब पीओ सेटिस्फाई होता है तभी हम रेवेन्यू दिखाते हैं तो आप यहाँ पर देखिए टेन लाख रुपीज हमारा है ये जो टेन लाख रुपीज हमारा है हम इसको क्या करें हम इसको बाइफर्केट करेंगे टेन लाख रुपीज में और टेन थाउजेंड रुपीज में हम बाइफर्केट करेंगे इसको कैसे हम बोलेंगे टोटल टेन लाख टेन थाउजेंड रुपीज का गुड्स दिया जाएगा जिसके बदले में टेन लाख रुपीज मिलेगा तो टेन लाख इंटू हम क्या करेंगे टेन लाख डिवाइड बाई टेन लाख टेन थाउजेंड इधर कर देंगे और इधर आपका टेन थाउजेंड डिवाइड बाई टेन लाख टेन थाउजेंड कर देंगे मतलब टोटल जो टेन लाख टेन थाउजेंड हो तो हमने रेशियो में बांट दिया एक तरफ टेन लाख का रेशियो एक तरफ टेन थाउजेंड का रेशियो टोटल टेन लाख टेन थाउजेंड मुझे पता चला कि मैंने टेन लाख को क्या किया स्टैंड अलोन दोनों का जो वैल्यू ऑफ गुड्स है उस स्टैंड अलोन प्राइस में मैंने एलोकेट कर दिया तो मुझे पता चला कि इसके लिए ये जो टेन लाख रुपीज का मैं गुड्स आज दे रहा हूँ इसके लिए मुझे इतना पैसा मिल रहा है और फ्यूचर में जो टेन थाउजेंड रुपीज का गुड्स दे रहा हूँ इसके लिए मुझे इतना पैसा मिल रहा है तो आप बताइए अगर मुझे आज पूरा का पूरा टेन लाख रुपीस बैंक में पैसे आ गए तो क्या मैं पूरा का पूरा टेन लाख रुपीस का बैंक में जो पैसा आया उसको मैं क्या रेवेन्यू कर नहीं मैं इतना ही रेवेन्यू रिकोगनाइज कर सकता हूं क्योंकि इतना ही मैंने पीओ सेटिस्फाई किया मैं रेवेन्यू दिखा नहीं सकता तो ये मैं क्या करूंगा ये मैं आज लाइब्रिटीटी दिखाऊंगा मैं मानूंगा मुझे एडवांस में पैसे मिल गए जिसका पीओ मुझे फ्यूचर में सेटिस्फाई करना है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मुझे फ्यूचर में सेटिस्फाई करना है तो जब फ्यूचर में कस्टमर ये ले लेगा क्लेम है ना डिस्काउंट ले लेगा तब मैं ये रेवेन्यू दिखाऊंगा तो बेसिकली इसकी एंट्री क्या होगी सिंपल सी बात है देखिए पॉइंट नंबर ए की बैंक में मुझे पैसे मिले टेन लाख रुपीज बट मैं रेवेन्यू दिखाऊंगा कितना इतनी का रेवेन्यू दिखाऊंगा प्रोपोर्सनेटली है ना और बाकी का बच्चा हुआ ये मैं कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी दिखाऊंगा डेट इज लाइबिलिटी अंडर कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम मैं इतने का दिखाऊंगा पॉइंट नंबर ए मेरा खत्म होता है पॉइंट नंबर ए में एक सिंगल पार्टिकुलर डे की बात कर रहे थे

फ्यूचर में भी जो पॉइंट एक्यूमुलेट होंगे फ्यूचर में भी हम क्या करेंगे फिफ्टी लाख रुपीज का हम गुड्स देने वाले फ्यूचर में भी तो हमें क्या करना पड़ेगा सेम वैसे लाख ,00 को और फिफ्टी लाख ,00 में एलोकेट करना पड़ेगा तो वही मैंने यहां पर क्या देखिए फाइव थाउजेंड लाख रुपीज है जिसमें आज इतना पैसा मिल रहा है आज मैं फाइव थाउजेंड लाख ,00 रुपीज गुड्स सेल कर रहा हूं और फ्यूचर में मैं फिफ्टी लाख रुपीज का गुड्स दूंगा फ्री में जो पॉइंट्स एक्यूमुलेट हुए उसके बदले

बैंक में पैसे आएंगे लाख मैं दिखाऊंगा रेवेन्यू इतने का है ना और बाकी ये मैं दिखाऊंगा कॉन्ट्रैक्ट सिंपल सी बात है तो अब देखिए पॉइंट नंबर बी में बैंक में पैसा आया फाइव थाउजेंड लाख रुपीज मैं रेवेन्यू दिखा दूंगा इतने का और बाकी का मैं रेवेन्यू आज नहीं दिखाऊंगा बाकी का जो जो पॉइंट्स एक्यूमुलेट होंगे जब वो क्लेम करेंगे फ्यूचर में तब मैं बाकी का रेवेन्यू दिखाऊंगा तो पॉइंट नंबर ए पॉइंट नंबर बी हमारा एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका है एकदम अच्छे से हमारा क्लियर हो चुका है अब पढ़ते आगे क्या बोला इन्होंने इन्होंने देखो आगे क्या बोला ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड टू थाउजेंडीन ट्वेंटी ने अवार्ड किया, ,00 ,00 किया गया है जिसमें से जिसमें से अगर आप देखोगे एन थाउजेंड पॉइंट अभी तक डिस्काउंट नहीं हुए टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी में मतलब इस ईयर में हमने पॉइंट्स अवार्ड किया था टोटल फाइव थाउजेंड लाख रुपीज में जितना पॉइंट्स हमने अवार्ड किया था उस हिसाब से यहां पर क्या हुआ आप निक, निकाल भी सकते हो फाइव हंड्रेड में अगर टेन दिया जा तो आप देख लो फाइव थाउजेंड लैक्स में कितना दिया जाएगा इतना ही पॉइंट दिया जाएगा हंड्रेड लाख आप निकाल सकते हो अगर फाइव हंड्रेड रुपीज में टेन पॉइंट दिया जा रहा है तो फाइव थाउजेंड लाख रुपीज के सेल में इतना पॉइंट जा दिया जाएगा और इतना पॉइंट उन्होंने दिया लेकिन इसमें से बोला एटी थाउजेंड पॉइंट अभी तक डिस्काउंट नहीं हुए मतलब डिस्काउंट करंट ईयर में क्योंकि 2019-20 का ही है और 2019-20 में अवार्ड किया पॉइंट्स और 2019-20 में 18,000 ही बचा हुआ है अनडिस्काउंटेड मतलब 82,000 तो 19-20 में डिस्काउंट हो गया तो बताइए 82,000 जो प्रोपोर्शनेटली जितना इस साल में हमने पॉइंट्स दिया इसी साल ही उसका यूटिलाइज हो गया तो उसका तो रेवेन्यू इसी साल दिखा दिया जाएगा लेकिन आगे बढ़ते हैं आगे यहां पर क्या लिखा हुआ है एटीन पॉइंट जो करेंट ईयर में अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है ये बोल रहे एंटिटी मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशन कर रहे है कि 80 परसेंट ही जो है वो फ्यूचर में क्लेम किया जाएगा यानी आउट ऑफ 18,000 18,000 का 80 परसेंट कितना हो रहा है यानी फोर्टीन लैख फोर्टी ही फ्यूचर में क्लेम किया जाएगा तो मैंने क्या समझा देखो सिंपल सी बात एट्टी लाख का तो पॉइंट का क्लेम करेंट ईयर में हो गया और फ्यूचर में जो 18 लाख का पॉइंट्स बचता है उतना क्लेम ही नहीं होगा फोर्टीन लाख फोर्टी थाउजेंड पॉइंट होगा तो मैं अब क्या करूंगा पता है मैं ये कहूंगा मैंने ये जो टेबल एकदम इजी इजी वे में कराने के लिए मैंने बना रखा है आप इस तरीके से वर्किंग दिखाओगे आपको नंबर भी मिलेंगे लास्ट में जर्नल बता देना तो आप बोलोगे देखिए फोर नाइन फाइव जीरो फोर नाइन फाइव आपने कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी बनाया था किस बात का जो डिस्काउंट पॉइंट है, है ना जो आपका रिवार्ड पॉइंट है उसका आपने इतना बनाया ये तो रेवेन्यू दिखा दिया ये आपने कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी दिखाया था बट इसमें हम क्या बोलेंगे हम बोलेंगे तो हम क्या करेंगे इसको बांट देंगे इसको बांट देंगे किस रेशियो में एटी टू लैख में और फोर्टीन लाख फोर्टी थाउजेंड में आप बोलोगे सर टोटल तो वन लाख पॉइंट था तो ये तो टोटल वन लाख हुई हंड्रेड लाख पॉइंट था टोटल तो हंड्रेड लाख ही नहीं रहा यस हम एक्सपेक्टेशन में पूरा एंटिटी एंट्री करते सारा का सारा खेल तो हमारा एक्सपेक्टेशन में होता है तो इसलिए हमारा एक्सपेक्टेशन ये तो हमने क्लेम दे दिया और फ्यूचर में एटीन लाख ,00 नहीं देंगे इतना ही देंगे तो हम क्या करेंगे लाख ,00 और ,00 ,000 ,000 के रेशियो में मैंने बांट दिया ये फोर नाइन फाइव जीरो पता चला आपका एट्टी टू लाख पॉइंट्स का तो इतना वैल्यू बन रहा है और फोर्टीन लाख फोर्टी थाउजेंड पॉइंट्स का इतना वैल्यू बन रहा है तो ये तो जबकि करंट ईयर में क्लेम हो ही चुका है तो ये तो रेवेन्यू आज हम दिखाई देंगे बचा हुआ ये रेवेन्यू आज हम नहीं दिखाएंगे बचा हुआ हम फ्यूचर में दिखाएंगे तो आप देखिए ये वाला अमाउंट तो आज रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा 1920 करंट ईयर में वही मैंने किया तो मैंने जो कहा था ना लाइबिलिटी अंडर कस्टमर लॉयल्टी जो इतना मैंने रखा हुआ था इसमें से मैं कहूंगा फोर टू डबल वन डबल जीरो टू तो मैं रेवेन्यू में इसी पीरियड में दिखा दूंगा तो लाइबिलिटी को मैंने रिवर्स किया और रेवेन्यू दिखा दिया इतने का मेरे ख्याल से आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका है और हम डेफर कितना करेंगे इतना डेफर करेंगे तो देखा जाए तो फाइव थाउजेंड लैख रुपीज में हमने करंट पीरियड में ये भी रेवेन्यू दिखा दिया इसमें जो बचा हुआ इसमें से ये भी रेवेन्यू दिखा दिया बस इतना ही हम डेफर कर रहे हैं बस इतना ही हम डेफर कर रहे हैं वो तो फोर्टीन लाख फोर्टी थाउजेंड जो पॉइंट्स हमें लगता है फ्यूचर में क्लेम होगा उसका हम इतना ही डेफर कर बस बात खत्म तो यही पॉइंट नंबर सी में पूछा पूछा गया कि आप बताइए टू थाउजेंड 20, नाइनटीन ट्वेंटी जो कि करंट ईयर है करंट ईयर में जबकि हम एस्टीमेट करें कि परसेंट ही फ्यूचर में रिडीम होंगे एटीन लाख का एट्टी परसेंट वही हमने लिया था बोला कि कितना डेफर होगा रेवेन्यू पॉइंट नंबर सी में पूछ रहे हम बता देंगे सेवन थ्री नाइन फोर नाइन थ्री हम डेफर करेंगे तो पॉइंट नंबर सी का आंसर एक लाइन में खत्म होता है रेवेन्यू टू बी डेफर इन टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी कितना आएगा सेवन थ्री नाइन फोर नाइन थ्री और उतने का कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी आपका क्रिएट किया हुआ भी है क्योंकि आपने इतने का कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी किया क्रिएट जिसमें से इतना आपने रिवर्स किया बचा हुआ ये आपका कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रिएट किया हुआ भी है तो पॉइंट नंबर ए बी सी मेरे ख्याल से एकदम अच्छे से पूरा क्लियर हो चुका है एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए कि पॉइंट नंबर वन टू थ्री आपका एकदम अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है अब आगे हम देखते हैं आगे पॉइंट नंबर डी में क्या बोला नेक्स्ट ईयर देखो टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी नेक्स्ट ईयर बोल रहे हैं नेक्स्ट ईयर क्या हुआ सिक्सटी परसेंट पॉइंट तो डिस्काउंट हो गए बैलेंस फोर्टी परसेंट आउटस्टैंडिंग पॉइंट जो है वो स्टिल रिमेन है आउटस्टैंडिंग नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर जो हमारे टोटल पॉइंट्स थे उसमें से 60 तो हमारे क्या हो गए क्लेम हो गए बैलेंस हमारे आउटस्टैंडिंग अब यहां पर मैं आपको एक लाइन पढ़ाना चाहता हूँ ये लाइन आप देखिए मैनेजमेंट ने क्या एक्सपेक्ट किया था कि 80 परसेंट जो है ना वही टोटल डिस्काउंट होगा फ्यूचर में 80 परसेंट ही फ्यूचर में डिस्काउंट होगा उसमें से बोला ये दो साल का टाइम पीरियड है दो साल में डिस्काउंट करा सकते हैं कस्टमर के पास दो साल का टाइम पीरियड है उसमें से इन्होंने बोला कि नेक्स्ट ईयर ही 60 टू 70 परसेंट क्लेम हो जाएगा मान लो अगर नेक्स्ट ईयर 60 परसेंट क्लेम हो जाएगा तो उसके अगले साल बचा हुआ ट्वेंटी क्लेम हो जाएगा तो टोटल एट्टी क्लेम होगा 100 तो होगा ही नहीं उसमें से मान लो 60% फर्स्ट ईयर में हो गया, तो 20 टोटल एट्टी परसेंट एक्सपेक्ट कर रहे तो बैलेंस उस हिसाब से ट्वेंटी परसेंट ही बचेगा हमारा तो अब हमें पॉइंट नंबर डी के लिए नेक्स्ट ईयर का भी हमें क्या हिसाब करना पड़ेगा ये मैं आपको दिखा देता हूं तो देखिए हम फिर से एकदम जब भी एस्टिमेशन में चेंज होता है तो ओवरऑल देखते हैं पेमेंट में भी हम करते हैं हर साल नया से एस्टीमेट बनाते हैं तो आप देखिए आप बोलोगे फोर नाइन फाइव जीरो का आपका टोटल कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी था एकदम टोटल में देखो ग्रॉस बेसिस में इतने का आपका था इसमें से आप बताओ एट्टी टू लाख का तो पॉइंट्स क्लेम उसी पीरियड में हो गया था जिस पीरियड में पॉइंट्स इशू किया गया था

टेन लाख एट्टी थाउजेंड यानी सिक्सटी परसेंट ऑफ एटीन लाख अभी नेक्स्ट ईयर में क्लेम हुआ है बच्चा कितना है आप बोलोगे सर बच्चा फोर्टी परसेंट है ना जी ना बचा हुआ ट्वेंटी परसेंट ही बचा हो क्योंकि हम अभी स्टिल एक्सपेक्ट करेंट ही क्लेम होगा तो एटीन लाख ,00 का ट्वेंटी परसेंट फ्यूचर में क्लेम होगा एटीन लाख का ट्वेंटी परसेंट कितना होता है थ्री लाख सिक्सटी थाउजेंड फ्यूचर में क्लेम होगा हमारा फ्यूचर में तो आप अगर इन दोनों को मिलाओगे नाइन्टी टू लाख एट्टी थाउजेंड और थ्री लाख सिक्सटी थाउजेंड मिला के देखो कितना आ रहा है लाख हो रहा है और यही हमने पहले भी ये यहीस्टिमेट रखा था नाइनटी सिक्स लाख फोर्टी थाउजेंड आप दोनों का मिला के देख लीजिए तो अब यहाँ पर कहने का मतलब नेक्स्ट ईयर में यही है आप टोटल ग्रॉस देखोगे है ना आप बचा हुआ अमाउंट को नहीं करोगे बचा हुआ अमाउंट में सिक्सटी फोर्टी मत कीजिएगा आप टोटल जो अमाउंट आपका कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी है उसमें से आप ये बोलोगे कि एट्टी लाख क्लेम हो चुका ऑलरेडी

इन दोनों को देखोगे तो यही वाला फिगर आएगा आप देख लीजिए एट एट थ्री। थ्री तो क्रिएटेड है इसमें से हम और इतना रेवेन्यू दिखा देंगे क्योंकि हमने और क्लेम दे दिया इस पीरियड में और बचा हुआ हम क्या करेंगे पढ़ा रहने देंगे कॉन्ट्रैक्ट लाइब्रिलिटी में तो आप बताइए जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट लाइब्रिटी इतना तक का क्रिएटेड था उसमें से हम क्या करेंगे पॉइंट नंबर डी में इतने का हम रेवेन्यू दिखाएंगे तो लाइबिलिटी टू रेवेन्यू हमने इतने का दिखा दिया और हमारा डेफर्ड अब इतना रहेगा इतना रहेगा और मैं यहां पर लिख भी देता हूं इसके लिए क्या लिखूंगा मैं सेवन थ्री नाइन फोर नाइन थ्री हमारा जो पहले बैलेंस था उसमें से डबल फाइव फोर सिक्स टू जीरो हमने अब दिखा दिया तो बचा हुआ जो है वो हमारा डेफर रहेगा अब क्या हुआ आगे जाके आगे जाके पॉइंट नंबर ई में क्या बोल रहे है?

उतना भी नहीं हुआ थ्री लाख तो बोलोगे और डेफर करना चाहिए तब तो नहीं करेंगे क्योंकि लैप्स हो जाएगा दो साल का ही तो है टाइम पीरियड उसके बाद तो जो भी लैप्स हो जाएगा तो लास्ट ईयर में हम क्या करेंगे जितना हमारा बचा हुआ है जितना हमारा बचा हुआ है वो हम पूरा का पूरा रेवेन्यू में डाल देंगे तो लाइबिलिटी जो हमारा बचा हुआ रहेगा वो रेवेन्यू में दिखा दिया जाएगा तो आप मुझे बताइए क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आए यहाँ पर बस एक ही चीज आपको एग्जाम के लिए ध्यान में रखना है ये आपको ध्यान में रखना एक बार क्लियर हुआ कि नहीं वो बता देना एक चीज आपको ध्यान में रखना है यहां पर एग्जाम के लिए कि आप करंट ईयर में तो इसको बांटोगे और इतने का कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी दिखाओगे फिर नेक्स्ट ईयर भी आप फिर से इसी को ही हिसाब निकालोगे 4950495 का देखोगे कितना टिल डेट हमारा टिल डेट कितना हमने पॉइंट्स रिडीम कर दिए हम बोलेंगे 82 लाख पिछले साल ही कर दिया था टेन लाख एट्टी थाउजेंडीन लाख का सिक्सटी परसेंट टेन लाख एट्टी थाउजेंड अभी टोटल इतना रिडीम कर दे रहे और बचा हुआ ट्वेंटी परसेंट क्योंकि टोटल एट्टी परसेंट एक्सपेक्टेड है बचा हुआ ट्वेंटी परसेंट हम फ्यूचर में करेंगे तो उस हिसाब से हमने उस रेशियो में हमने निकाला ये रेशियो आया बट हम बोलेंगे इसके अंदर तो इतना तो हमने ऑलरेडी रेवेन्यू में ट्रांसफर कर दिया है तो बचा हुआ इतना रेवेन्यू दिखा देंगे और इतना हमारा क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी में पड़ा हुआ रहेगा हमारा और फिर लास्ट ईयर में ये भी हम कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी टू रेवेन्यू कर देंगे तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पूरा समझा दिया है और हमने समय भी थोड़ा लिया इस क्वेश्चन को समझने में पंद्रह बीस पंद्रह मिनट तो लगी बीस मिनट के आसपास लग गया और आप भी एक बार प्रैक्टिस करोगे तो फिफ्टीन मिनट्स और आपको देना है एक बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में फिफ्टीन मिनट्स में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो बताओ क्या एकदम अच्छे से क्लियर हुआ ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा ऐसा है कि बिना प्रैक्टिस करे आपसे नहीं होएगा तो आप प्रैक्टिस जरूर से कीजिएगा ये क्वेश्चन इसके अलावा भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसमें उतना ज्यादा नीट नहीं पड़ेगा प्रैक्टिस करने का ये मैं बोल सकता हूँ उतना ज्यादा नीट नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में ज्यादा नीट पड़ेगा हमारे बगल में ना इतने पागल लोग हैं ना पागलों की तरह चिल्लाते हैं मतलब मुझे एक विंडो बंद करना हो मतलब रोज दारू वगैरह पी लेते हैं नीचे और पागलों की तरह चिल्लाएंगे शायद आप लोग को साउंड तो नहीं आया ना डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया एकदम तो अब मुझे बताइए क्या क्लियर हुआ एकदम अच्छे से चलो अगर समझ में आए तो जरूर से लाइक कीजिएगा लाइक करोगे तो मुझे लगेगा समझ में आ गया अगर समझ में नहीं आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा समझ में है तो लाइक कर दीजिएगा उससे मुझे पता चल जाएगा कि चाहता तो और इसको दस पंद्रह मिनट लगा के सॉल्व करके और अच्छे से भी क्लियर करा सकता बट उतना समय नहीं है हमारे पास तो हम और ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है अब तो आप होशियार हो गए आपने पूरा वन एन फाइव कर चुके हो आप तो आप उतने तो होशियार हो गए कि आप उसे अब कर पाओगे अब आप समझ गए एकदम अच्छे से ठीक एकदम अच्छे से क्लियर है तो चलो एक और अच्छा क्वेश्चन करेंगे मैं पहले वही वही क्वेश्चन टारगेट कर रहा हूं जो मुझे लगता है एग्जाम में पूछ लिया जाएगा क्या पता जो एटलीस्ट एट टू टेन मार्क्स के लिए पूछ लिया जाएगा वही क्वेश्चन मैं अभी टारगेट कर रहा हूं तो चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव भी अभी हम करते ये भी एग्जाम में आने का भरपूर चांस रहेगा आपका चलिए निवान लिमिटेड कमेंट्स वर्क ऑन टू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड टू दो अलग अलग लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे हैं पहला कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने ए एंड कंपनी के साथ किया दूसरा कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने बी एंड कंपनी के साथ किया एक को समझ जाओगे दूसरा अपने आप ही निकलेगा क्या बोला इन्होंने फर्स्ट एंड हैड टोटल सेल्स वैल्यू कितने का है टोटल सेल्स वैल्यू लाख का इट द कॉन्ट्रैक्ट वुड रन फॉर टू ईर्स दो साल तक कॉन्ट्रैक्ट चलेगा एंड द टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितना है थर्टी टू लाख मतलब फोर्टी लाख रुपीज हमें कंसिड्रेशन मिलेगा थर्टी टू लाख हमारा खर्चा होगा मतलब अराउंड एट लाख रुपीज का हमारा प्रॉफिट होगा लेकिन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड टू फाइनेंशियल ईयर एंड में हमने अपना एस्टिमेट को रिवाइज किया तो करंट ईयर में एस्टिमेट रिवाइज हो गया थर्टी फोर लाख का खर्चा लगेगा तो हम इसी को कंसीडर करेंगे है ना क्योंकि टू लाख और हमारा रेक्टिफिकेशन की वजह से खर्चा होगा ठीक है तो हमारा करंट ईयर में जो आपका कॉस्ट है जैसे ट्रांजेक्शन प्राइस हम एस्टिमेट करते रहते री एस्टिमेट वैसे, वैसे भी आपका री एस्टिमेट होते जाएगा और ये नेक्स्ट ईयर में नहीं फोर्टी तो लाख मतलब हमारा सेल्स वैल्यू है और हमें थर्टी फर्स्ट मार्च तक पता चल गया थर्टी फोर लाख हमारा कॉस्ट एक्सपेक्टेड लगेगा ठीक है आगे देखते हैं एन इंडिपेंडेंट एस्टिमेटेड एट थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड टूट द कॉन्ट्रैक्ट इज थर्टी परसेंट कम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या हुआ थर्टी परसेंट कंप्लीट हुआ है निवान लिमिटेड ने कॉस्ट इनकर कितना किया 16 किया लाख है अभी तक तो कॉस्ट इनकर और पेमेंट रिसीव हुआ है थर्टीन लाख रुपीज का चलो, मैं एक काम करना चाहता हूं मैं नीचे का भी पॉइंट आपको अभी पढ़ा देना चाहता हूं ताकि आपको क्लैरिटी मिले ये वाला पढ़ाने की जरूरत नहीं एक बार पढ़ा दूंगा आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा द टू कॉन्ट्रेक्ट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडेस वन ऑन टू रिक्ज रेवेन्यू ओवर टाइम देखो रिकॉग्नाइज रेवेन्यू क्या होगा हमने पढ़ा था ना एट ए पॉइंट इन टाइम करते या रेवेन्यू ओवर टाइम करते ओवर टाइम अगर रिकॉग्नाइज होता है ना रेवेन्यू तो वहां पर हम तोड़ तोड़ के रेवेन्यू दिखा सकते तोड़ तोड़ के खर्चा दिखा सकते हैं वही अगर लिखा हुआ था रेवेन्यू एट ए पॉइंट इन टाइम तो हम तोड़ तोड़ के नहीं दिखा सकते ये हमने पढ़ा हुआ है ना और यहां पर जैसे जैसे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर टाइम सेटिस्फाई होगा वैसे वैसे तोड़ के आप रेवेन्यू दिखा सकते हो मतलब यहां पर कंट्रोल जो है ना ये मानेंगे ओवर टाइम ट्रांसफर हो रहा है कंपनी ऑल्सो सेवरल अदर कंट्रेक्ट बिटवी ट्वेल्व एंड एटीन एंड ड्यूरेशन समेसू टू अकाउंटिंग पीरियड ये सब कोई काम का नहीं इन द दबेंस ऑफ एनी फाइनेंशियल डेटा यू आर एडवाइज टू इग्नोर दिस अदर कॉन्ट्रेक्ट ये सब कोई काम का नहीं तो यही मुझे बस ओवर टाइम वाली बात आपको बताना था अब मेरी बात सुनो ध्यान से अब अगर थर्टी परसेंट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है तो क्या मैं थर्टी परसेंट रेवेन्यू नहीं दिखा सकता यस yes. मैं मैं क्या करूंगा का 30 ही रेवेन्यू दिखाऊंगा क्योंकि 30 मेरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है तो फोर्टी लाख का थर्टी परसेंट मैं ट्वेल्ल लाख की रेवेन्यू दिखाऊंगा मुझे कितना पैसा मिला डेट मैटर टू मी मुझे पैसा देखो थर्टीन लाख रुपीज मिल गया है कस्टमर से पर मैं रेवेन्यू दिखाऊंगा ट्वेल्व लाख रुपीज का मतलब वन लाख क्या रहेगा मेरा लाइबिलिटी रहेगा मतलब आपने मुझे पैसे भले थर्टीन लाख दे दिए बट मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा बेसिस फॉलो करते हैं पर कैश बेसिस फॉलो नहीं करते और बेसिस कि अगर इनपुट मेथड लगा रहे हो थर्टी आप, परसेंट आपका कंप्लीट हुआ तो थर्टी परसेंट रेवन्यू दिखा दो तो लाख लाखी परसेंट ट्वेल्व लाख रेवेन्यू दिखाएंगे बट हमें पैसा कितना मिला थर्टीन लाख रुपीज तो आप ये देखो हम क्या दिखाएंगे रेवेन्यू ट्वेल्व लाख ही दिखाएंगे रेवेन्यू टू बी रिकोगनाइज ट्वेल्व लाख हमें भले पैसा मिल गया अमाउंट हमें रिसीव हुआ भले कितना चलो ये वाला लाइन काट देता हूं

सिक्सटीन लाख रुपीज का कॉस्ट इनकर किया है सिक्सटीन लाख रुपीज का हमने कॉस्ट इनकर किया है तो क्या सिक्सटीन लाख रुपीस हम खर्चा दिखा देंगे नहीं मैचिंग कंसेप्ट अगर थर्टी परसेंट हम मानेंगे हमारा कंप्लीट हुआ है तो थर्टी परसेंट हम रेवेन्यू दिखा रहे तो कॉस्ट भी हम 30% दिखाएंगे है ना तो यहां पर 30% कंप्लीट माना जा रहा है हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर इनपुट मेथड लगाया नहीं जा रहा इनपुट मेथड क्या कहता है जितना खर्चा किया प्रोपोर्शनेटली उतना आप रेवेन्यू uh, दिखा दो पर पर इनपुट मेथड नहीं लगाया जा रहा किसी को वैल्यूअर वगैरह को बुला के देखा जा रहा है आउटपुट मेथड में कि कितना आपका परफॉर्मेंस हुआ है कितना आपका बिल्डिंग मान लो जो भी बना है वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उस हिसाब से थर्टी परसेंट डिटरमाइन किया गया तो हमारा जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट है थर्टी फोर लाख इसका थर्टी परसेंट हम कॉस्ट एप्रूवल बेसिस में दिखाएंगे भले हमें हमने पैसे ज्यादा लगा दिए तो थर्टी फोर लाख हमारा टोटल कॉस्ट है इसका थर्टी परसेंट कितना होगा टेन लाख ट्वेंटी तो टेन लाख ट्वेंटी हम एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे भले हमने पैसे ज्यादा पेमेंट कर दिए तो जो ज्यादा हमने पेमेंट किया उसको हम कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यू मानेंगे है ना कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस जैसे मानते हैं कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यू मानेंगे फाइव लाख का मतलब दोनों जगह में हम एक बेसिस लगा रहे पैसा हमने 16 लाख रुपए खर्चा कर रही है, बट हम 30% काम खत्म हुआ है, तो 34 लाख का 30% कितना होता है 10.2 लाख हम एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे यानी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में हमारा रेवेन्यू दिखाया जाएगा 12 लाख का हमारा एक्सपेंस दिखाया जाएगा 10.2 लाख का ये नहीं दिखा सकते ये दिखाएंगे तो कैश बेसिस हो जाएगा तो पैसे हमें इतने बैंक से गए हमारे पैसे बट हम इतना ही खर्चा दिखाएंगे तो बाकी का खर्चा हम नहीं दिखा रहे तो बाकी को एसेट खड़ा कर देंगे हम हम पर है ना तो 5.8 लाख का कॉन्ट्रैक्ट एसेट खड़ा कर देंगे इसका भी अगर मैं ट्रीटमेंट आपको बताऊं फॉर्म में तो हम क्या करेंगे बैंक से 16 लाख हमारा कम होगा हम खर्चा पीएनएल में दिखाएंगे टेन पॉइंट टू लाख का और बाकी का बचा हुआ प्रीपेड एक्सपेंस मान लो लेकिन प्रीपेड वर्ड यहाँ पर यूज नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट डब्बूआईपी यूज होगा वर्किंग प्रोग्रेस में हमारा एसेट खड़ा कर देंगे फाइव लाख

पेमेंट्स ऑन अकाउंट ऑलरेडी रिसीव 9.5 लाख आपको पेमेंट ऑलरेडी रिसीव हो चुका है और आपने कॉस्ट इन कर तो आप बताइए हमारा 30 लाख का सेल्स वैल्यू है 30 लाख का 20 परसेंट हम रेवेन्यू दिखा सकते हैं 24 लाख का 20 परसेंट फोर पॉइंट लाख की हम कॉस्ट दिखा सकते हैं तो मुझे तो साफ दिख रहा है 30 लाख का 20 परसेंट सिक्स लाख रेवेन्यू दिखाएंगे 24 लाख का 20% 4.8 लाख कॉस्ट दिखाएंगे मतलब 1.2 लाख मेरा पीएनएल में जाएगा तो आप देख लो यहाँ पर रेवेन्यू ये देख लो आपने रेवेन्यू कितना दिखाना है यहाँ पर 6 लाख दिखाना है और खर्चा आप दिखाओगे ये 30% नहीं था ये 20% था गलती हो गई है यहाँ ये 20% है है ना तो ये आपने दिखा दिया आपका पीएनए में कितना आ जाएगा सिक्स माइनस सिक्स माइनस फोर पॉइंट एट वन पॉइंट टू पीनएल में जाएगा तो मैं रेवेन्यू वाला भी लिख देता हूँ रेवेन्यू सिक्स दिखाएंगे खर्चा फोर पॉइंट एट दिखाएंगे हमने कर दिया लेकिन अब यहां पर भी आप देखिए आपको यहां पर पैसे कितने मिले नाइन पॉइंट फाइव लाख पैसे मिले बट आप तो सिक्स लाख का रेवेन्यू दिखाओगे पैसे मिल गए नाइन पॉइंट फाइव लाख ज्यादा पैसे मिल गए ना कितने ज्यादा मिल गए रेवेन्यू के ऊपर

और कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी ये लाइबिलिटी दिखाया जाएगा बैलेंस शीट में ये रेवेन्यू और एक्सपेंस पीएनएल का एक्सट्राक्ट में जाएगा तो ऑफ ऑफ स्टेटमेंट पीएनएल में हम क्या बोलेंगे रेवेन्यू 18 लाख दोनों का मिला के और एक्सपेंस दोनों का दोन 15 लाख तो 18 लाख माइनस फिफ्टीन लाख थ्री लाख का हम प्रॉफिट दिखा देंगे आप ऐसे भी कर सकते थे देखिए यहां पर भी मैंने वन बाय वन भी दिखाया वन लाख का प्रॉफिट वन पॉइंट एट का प्रॉफिट इधर दिखाया है तो दोनों मिला के थ्री लाख ही आएगा आपके यहाँ पर

सर्स वही है जो उनके वहां पर आ रहे हैं तो आपको मार्क्स जब दिया जाएगा तो ये सब वैल्यूज को देख के दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यू सही निकाला है एडवांस सही निकाला है खर्चा सही दिखाया है रेवेन्यू सही दिखाया है टिक करके आपको मार्क्स मिलेंगे तो इस प्रेजेंटेशन से आपको मार्क्स मिलेंगे मतलब जो वैल्यूज निकालने की जरूरत तो है वो वैल्यूज अगर हम निकाल के आओगे एग्जाम में तो जरूर आपको मार्क्स मिलेगा तो इस क्वेश्चन में तो बहुत ही सिंपल चीज था कुछ करना नहीं था हम ये देखेंगे कि रेवेन्यू और खर्चा हम जितना परसेंटेज वर्क कंप्लीट हुआ हम उतना दिखाएंगे अगर हमें ज्यादा पैसे मिल गए तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी है यहाँ पर और हमने अगर ज्यादा खर्चा कर दिया पर उतना खर्चा दिखा नहीं पा रहे तो जितना एक्स्ट्रा खर्चा किया वो कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यू आई पी हो रहा है बस इतनी सी बात है तो आपको ये दो बात याद रहेगी हाँ सर हम जितना रेवेन्यू दिखा सकते हैं उससे ज्यादा अगर हमें पैसे मिल गए तो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी हो हम जितना रेवेन्यू दिखा सकते उससे कम पैसे मिले तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट होगा सेम वैसे खर्चा के मामले में हम जितना खर्चा दिखा रहे हैं उससे ज्यादा हमने खर्चा कर दिया तो एसेट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यू आई पी अगर हमने कम खर्चे के तो लाइब्रेटी खड़ा हो जाएगा कितने सिंपल सी तो बात है यहाँ पर तो जो भी बच्चा थोड़ा सा भी होशियार है थोड़ा सा भी उसके पास दिमाग है तो मेरे ख्याल से वो इस क्वेश्चन को आराम से समझ गया होगा तो आप बताइए कि अब हम नया एक और अच्छा क्वेश्चन में जा सकते हैं ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा लगा मुझे और ये क्वेश्चन भी एम टीपी सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में था अच्छा क्वेश्चन था तो ये क्वेश्चन भी हम फटाफट कर लेंगे इसमें जर्नल एंट्री से पर काफी ईजी है आपको आराम से मजा आएगा एकदम आराम से आपका हो जाएगा टेंशन की कोई बात नहीं है तो क्या क्वेश्चन नंबर सिक्स में आ जाए और अगर आपको अभी तक दो क्वेश्चन समझ में आया सर बैलेंस शीट में कैश बैंक नहीं दिखाना है हाँ नहीं दिखाना कैश बैंक का कोई काम ही नहीं है मैं चाहता तो पूरा बैलेंस शीट बनाता पर मैं नहीं बनाऊंगा ऐसे मैंने एक्स्ट्रा से क्वेश्चन स्पेसिफिकली निवान लिमिटेड का क्वेश्चन मैंने पहले डाला हुआ है उसमें मैंने फिर भी बैलेंस शीट वगैरह बना के दिखाया बट अभी इतना समय नहीं है कि मैं बैलेंस शीट वगैरह बना के दिखाऊँ उतना जरूरत भी नहीं है जहाँ जरूरत है वहाँ पर तो मैंने कितना बैलेंस शीट बना बना के समझाया तो अगर अभी तक आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक जरूर से कीजिएगा नहीं समझ में आया तो डिसलाइक कीजिएगा मैं सेशन खत्म होने के बाद देखूंगा लाइक्स कितने डिसलाइक कितने उससे मैं अंदाजा लगाऊंगा कि कितना आपको समझ में आया है बताओ अभी तक परफेक्टली समझ में आ गया सबको रसनजीत जी के आपको देखते कॉन्फिडेंस आ जाता है बहुत बहुत शुक्रिया अगर मैं इस लाइकों की कॉन्फिडेंस आ जाता तो बहुत बहुत शुक्रिया चलिए तो अभी हम एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं ये भी बहुत सिंपल है मतलब अब अच्छे अच्छे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे सबसे ज्यादा क्रिटिकल था ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा बट अब मुझे लगता है मैंने इजी बना दिया एक बार आप प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा उससे कम ये ये भी हो जाएगा मुझे लगता है अब ये इससे कम है ऊपर वाले दोनों से कम है चलिए ए लिमिटेड इज ए कंपनी विच इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग मशीन एंड प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल्स सर्विसेज मिस्टर अनिक टू सप्लाई एंड इंस्टॉल ए मशीनरी नेमली मॉडल पी आई यानी मिस्टर अनिक के साथ कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो सप्लाई करेगा एक मशीन और इंस्टॉल भी करके देगा जिस मशीन का नाम है मॉडल पी आई कब देगा फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड वन को देगा मशीन देगा और इस मशीन की सर्विसिंग भी दे रही है यानी मशीन तो डिलीवरी कर रहा है एक और अलग पीओ है कि वो मेंटेनेंस सर्विस भी दे रहे हैं पर। तो आपका गारंटी फॉर्म का हो वो आपका, आपका अदरवाइज क्योंकि मेंटेनेंस का कोई लेना देना नहीं रहता है डिलीवरी ऑफ मशीन से मैंटेनेंस सेपरेट ही से रहता है तो आपका मेंटेनेंस कब कब देगा ये छह महीने के बाद थर्टी को एक बार मेंटेनेंस देगा और फिर और फर्दर छ महीने के बाद लेकिन थर्टी मार्च नहीं देखो ये फर्स्ट अप्रैल टू टू है यानी ये वाला तो सेम फाइनेंशियल ईयर में आ जाएगा बट ये वाला आएगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मशीन मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट कितना है वन लैख सिक्सटी थाउजेंड है मशीन मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट बता रही है इट इज पॉसिबल फॉर ए कस्टमर टू परचेज बोथ द मशीन मॉडल पी आई एंड द मेंटेनेंस सर्विस सेपरेटली बता भी दिया कि ये दोनों ऑन इट्स ऑन यूज होते हैं भाई होते हैं सेपरेटली सोल्ड होते हैं सेपरेटली सोल्ड होने का मतलब ही मैंने आपको बेसिक साढ़े छह घंटे के रिविजन वीडियो में अच्छे से समझाया था मतलब ये दोनों सेपरेट पीओ है अलग अलग पीओ है आपका देखिए यहां पर मशीन और मेंटेनेंस सर्विस के लिए ये कॉन्ट्रेक्चुअली ऑब्लिक है ये पे करेगा कब फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड टू को फोर लाख रुपए आप मुझे बताइए मशीन हम आज दे रहे फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड वन को लेकिन पैसा हमें आज नहीं मिलेगा एक साल के बाद मिलेगा तो इसके अंदर फाइनेंसिंग कॉम्पोनेट भी होगा

फाइव परसेंट पर एन एम नहीं लिखा है ना सिक्स मंथ लिखा मतलब ये ये बोलना चाहते हैं आपका छह महीने का रेट अगर ऐसे लिखा हुआ था सिक्स इक्वल तो फिर भी हम फाइव परसेंट पर एन एम मानेंगे बट फाइव परसेंट के बाद अगर लिखा हुआ है पर एन एम की जगह पर सिक्स मंथ मतलब ये छ महीने का रेट है एज पर द एक्सपीरियंस द सर्विसिंग ऑफ द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट थर्टी थाउजेंड टू परफॉर्म फर्स्ट सर्विस And थोड़े ना पैसा लेती है अब कुछ बच्चे क्या बोलेंगे पता है सर वन लाख सिक्सटी थाउजेंड मशीन का कॉस्ट है थर्टी थाउजेंड और फिफ्टी थाउजेंड आपका मेंटेनेंस का कॉस्ट है बचा हुआ सर इंटरेस्ट होगा ना नहीं गलत बोल रहे हो हम कॉस्ट प्राइस में थोड़े ना बेचते हैं रेवेन्यू रेवेन्यू तो हम देखते हैं कि क्या कैश प्राइस इक्वेलेंट है उसके बारे में डेटा दिया जाएगा क्या पता क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा जाता है ना उसके प्रॉफिट मार्जिन जोड़ने के बाद जो अमाउंट है वो रेवेन्यू होता है एज्यूम एक्चुअल इट अर्स मार्जिन मतलब जब ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सेपरेटली तो यूजली फिफ्टी परसेंट ये मार्जिन लेते हैं तो देखा जाए तो थर्टी थाउजेंड जो आपका मेंटेनेंस है इसकी स्टैंड ऑर्न प्राइस फोर्टी फाइव थाउजेंड होगी आप बोलोगे सर कैसे में में जोड़ जोड़ दो, दो, जोड़ने के बाद वाला होता है, तो आपका माना माना जाएगा, stand -alone price माना जाएगा, और इसमें भी 50 में आप, जोड़ दो, 50 नहीं, आप मानेंगे stand -alone price। फिर इसके अलावा इन्होंने बता भी दिया कि मशीन जो मॉडल पी आई है इसका कैश सेलिंग प्राइस अगर कैश में बेचतेवन तो में बेचते हैं तो अब मुझे एकदम क्लियर हो गया मुझे पता चल चुका है कि देखो टू फाइव वन नाइन टू सेवन मेरा मशीन का कॉस्ट है मशीन का सेलिंग प्राइस है सॉरी मशीन का सेलिंग प्राइस है आपका स्टैंड लोन और फोर्टी फाइव थाउजेंड आपका मेंटेनेंस का है टू फाइव वन नाइन टू सेवन प्लस फोर्टी फाइव थाउजेंड प्लस सेवनटी एक कुछ गलत हो गया टू फाइव वन नाइन टू सेवन मशीन का कैश प्राइस इक्विवेलेंट सेलिंग प्राइस प्लस फोर्टी फाइव थाउजेंड प्लस सेवेंटी फाइव थाउजेंड ये आपके कैश प्राइस इक्विवेलेंट हो गए तो इतना पैसा मुझे मिलना चाहिए बट मुझे मिल कितना रहा है फोर लाख तो बचा हुआ जो अमाउंट होगा वो फाइनेंस कॉस्ट होगा वो फाइनेंस इनकम होगा टू एट जीरो आगे क्या बोला सेग्रीगेट द कॉम्पोनेंट ऑफ द ट्रांजेक्शन डेट ए लिमिटेड सेल अप्लाई टू द रेवेन्यू क्राइटेरिया सेपरेटली एज पर इंडियस वन फाइव तो बोला कॉम्पोनेट को सेग्रीगेट कीजिए तो हम बता देंगे देखो यहां पर तीन कॉम्पोनेंट मुझे नजर आ रहे हैं

मशीनरी होगा मेंटेनेंस सर्विस फोर्टी फाइव थाउजेंड प्लस और 28073 हमारा क्या आ जाएगा? में आ जाएगा। तो ये अमाउंट ऑफ रेवेन्यू भी सेग्रीगेट कर दिया जर्नल एंट्रीज फिर आगे बनाने को बोल रहा है कोई टेंशन की बात नहीं अब मैं आपको सिखाता हूँ क्या देखो मेरी बात सुनो आज हम अगर, आज अगर मैं आपको मशीनरी बेच रहा हूं कि आप मुझे आज पैसे दे रहे हो नहीं दे रहे हो बट जबकि मैंने आज, आज आपको मशीनरी बेच दिया सेल ऑफ गुड्स नहीं मशीन है, है मेरे लिए चलो गुड्स ही होगा क्या पता तो ये टू फाइव वन नाइन टू सेवन तो मैं आज रेवेन्यू दिखाऊंगा क्योंकि मैंने पीओ सेटिस्फाई कर दिया तो मैं एंट्री क्या मारू मैं ये मारू बैंक अकाउंट टू रेवेन्यू नहीं पैसे तो मिले ही नहीं है तो मैं दिखाऊंगा रिसीवल टू रेवेन्यू रिसीवल टू रेवेन्यू बोल दो या मिस्टर अनिक टू रेवेन्यू बोल दो मिस्टर अनिक ये जो है ना ये मिस्टर अनिक मेरे लिए डेटर्स की तरह है ये मेरे लिए क्या हो गया डेटर्स की तरह हो गया और इस इसपे क्या होगा ये मेरे लिए एक फाइनेंशियल एसेट है पैसे आज मिले नहीं है पैसे मुझे फ्यूचर में मिलेंगे ट्वेल्व मंथ्स के बाद तो इस पर इंटरेस्ट चढ़ेगा इंटरेस्ट कैसे चढ़ेगा इन्होंने मेरे क्वेश्चन है बताया पर सिक्स मंथ्स का फाइव परसेंट आपका इंटरेस्ट है पर छ महीने का तो हम ये भी मान के चलते हैं यहाँ पर कि आपका छ महीने में अगर अकाउंटिंग होगा तो क्या एंट्री होगी तो आप बताइए टू, वन, टू हमारा अगर है फाइनेंशियल एसेट इतने का रेवेन्यू दिखा इतने का हमने डेटर्स फाइनेंशियल एसेट दिखाया 251927 का 5% 12596 का इंटरेस्ट होगा फाइनेंस इनकम हम दिखाएंगे है ना इसके महीने के बाद है मतलब पहला फाइनेंशियल ईयर में हम दिखा देंगे तो इसको ऐड करने के बाद कितना आएगा प्लस इक्वल कर सकते हैं क्या 251927 फाइनेंशियल एसेट था उसमें 12596 हमने इंटरेस्ट जोड़ दिया

पहली सर्विस हम कब दे रहे हैं देखो थर्टी थाउजेंड हम पहली सर्विस देंगे सितंबर को थर्टी सितंबर को एक सर्विस देंगे एक, एक सर्विस हम फर्स्ट अप्रैल को देंगे तो जो थर्टी सितंबर को मैं सर्विस दे रहा हूँ कितने का फोर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज का क्या वो पैसा मुझे थर्टी सेप्टेम्बर में मिलेगा नहीं मिलेगा वो मुझे पैसा सब एक्यूमुलेट करके मुझे अप्रैल में मिलेगा है ना ट्वेल्व मंथ्स के बाद मिलेगा तो ये फोर्टी फाइव थाउजेंड जो मैं सर्विस छह महीने के बाद दे रहा हूँ तब मुझे पैसा नहीं मिलेगा आगे छह महीने के बाद मिलेगा इसपे फोर्टी फाइव थाउजेंड पे भी फाइनेंस इनकम चढ़ेगा यानी जब मैं इसका रेवेन्यू बुक करूंगा तो मैं यहां पर भी मिस्टर अनिक टू रेवेन्यू दिखाऊंगा छह महीने के बाद क्योंकि पैसे तो मिले नहीं रहेंगे और मिस्टर रहें मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट है उस पर मैं आगे पांच परसेंट फाइव परसेंट छह महीने का इंटरेस्ट भी चढ़ाऊंगा तो आप देखिए थर्टी सेप्टेम्बर को हम फोर्टी फाइव थाउजेंड का हम रेवेन्यू दिखाएंगे लेकिन पैसे तो मिले नहीं है तो नेक्स्ट छ महीने का इंटरेस्ट होगा आपका ये देखिए फोर्टी फाइव थाउजेंड का फाइव परसेंट आपका इंटरेस्ट होके ये अमाउंट इतना बन जाएगा तो आफ्टर ट्वेल्व मंथ मुझे गुड्स का इतना पैसा मिलना चाहिए पहली सर्विस का मुझे इतना पैसा मिलना चाहिए इंक्लूडिंग इंटरेस्ट और मुझे जो सेकंड सर्विस है वो तो मैं लास्ट में दूंगा तब मुझे पैसा मिलेगा और अब ये तीनों को आप कर लीजिए ये तीनों मिला के फोर लाख हो रहा है जो फोर लाख ये मुझे दे रहा है यानी कहने का मतलब ये मुझे फाइनेंस इंटरेस्ट भी दे रहा है मुझे पांच एक तो टू में मुझे फाइव परसेंट फाइव परसेंट दो बार दे रहा है पहला सर्विस में मुझे एक ही बार मिलेगा क्योंकि छह महीने के बाद पहला सर्विस दूंगा और दूसरा सर्विस में कोई मुझे इंटरेस्ट नहीं तो अब मेरा अगर क्लैरिटी आ गया तो मैं एंट्री क्या करूंगा अब मेरा दिमाग एकदम खुल गया पहला एंट्री फर्स्ट अप्रैल को मैं क्या करूंगा पहला एंट्री फर्स्ट अप्रैल को मैं बोलूंगा फाइनेंशियल एसेट टू रेवेन्यू टू फाइव वन नाइन टू सेवन दिखा दूंगा अब आपको पता है इन्होंने हमें बताया था ना वन लाख सिक्सटी थाउजेंड का हमारा कॉस्ट है ये क्यों बता रहे पता है तो जो भी हमारा इन्वेंट्री है मशीन को मैन्युफैक्चर करने का हमारा इतना कॉस्ट लगा है तो इतना कम ने इन्वेंट्री हमारे बैलेंस शीट में दिखाया होगा तो हम सीओजीएस में भी तो ट्रांसफर करते हैं जब हम बेचते तो जब हम गुड्स बेच देते तो इन्वेंट्री से निकाल के सीओजीएस में ट्रांसफर करते हैं तो वन लाख सिक्सटी थाउजेंड हम क्या करेंगे सीओजीएस में ट्रांसफर कर देंगे इन्वेंट्री से निकाल के बेचने पर आपका बैंक टू रेवेन्यू होगा या फाइनेंशियल टू रेवेन्यू होगा और जब बेच दिया तो जितने की इन्वेंट्री थी वो डी रिकॉग्नाइज हो जाएगी सीओजीएस में ट्रांसफर हो जाएगा और ये रेवेन्यू होगा ये सीओजीएस पीएनएल में जाएगा यानी पीएनएल में रेवेन्यू सीओजीएस से आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा और बैलेंस शीट में फाइनेंशियल एसेट इतने का दिखाओगे और बैलेंस शीट में इन्वेंट्री इतने का कम कर दो ये चीज आपका एंट्री होगा आप अगर मुझे बोलोगे तो मैं आपको बैलेंस शीट से समझा देता हूँ देखो इन्वेंट्री मेरा वन लाख सिक्सटी थाउजेंड कम होगा ठीक है मेरा फाइनेंशियल एसेट पैसा दिखाऊंगा टू फाइव वन नाइन टू सेवन मुझे मिलना है और मैं पीएनएल में यानी रिटेन अर्निंग बोल दूँगा अगर मैं इसमें मैं कितना दिखाऊंगा मैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में रेवेन्यू दिखाऊंगा टू फाइव वन नाइन टू सेवन और वन लाख सिक्सटी थाउजेंड का सी दिखाऊंगा तो जो नेट प्रॉफिट होगा वो रिटेन अर्निंग में जाएगा कितना जाएगा वन सिक्सटी टू सिक्सटी नाइनटी वन नाइन टू सेवन आप देख लीजिए दोनों साइड में इधर भी नाइनटी वन नाइन टू सेवन होगा इधर भी नाइन्टी वन नाइन टू सेवन होगा दोनों साइड आपका बैलेंस शीट मैच करेगा हालांकि इसकी जरूरत नहीं दो एंट्री काफ़ी है हमारे लिए मैंने रफ में समझा दिया तो फर्स्ट अप्रैल में दो एंट्री होगी क्योंकि तो फर्स्ट ईयर में हमने फर्स्ट अप्रैल को हमने रेवेन्यू सर्विस वगैरह कुछ नहीं दिया मेंटेनेंस सर्विस नहीं दिया तो फर्स्ट अप्रैल में गुड्स बेचा और जितना का कॉस्ट है उसकी दो एंट्री कर देंगे अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे थट्टीस सप्टेम्बर को हम एंट्री करेंगे तो थी सप्टेम्बर को हम क्या एंट्री करेंगे देखो थट्टीस सप्टेम्बर को ये जो रिसिवेबल है इस पर इंटरेस्ट चढ़ेगा मिस्टर मिस्टर इंटरेस्ट इनकम इनकम दिखाएंगे ये देखो फाइनेंस कौन सा ये वाला जो तो पहला छह महीने का फाइनेंस इनकम की एंट्री हम पास कर देंगे दूसरा थर्टी को हमने जो मेंटेनेंस दिया है सर्विस इसकी भी एंट्री हम दिखाएंगे क्या दिखाएंगे मिस्टर रेवेन्यू और इसके लिए कॉस्ट हमारा कितना लगा थर्टी थाउजेंड कॉस्ट लगा है तो सीओ जी एस टू इनवेंट्री थर्टी थाउजेंड जाएगा तो अब देखिए एक तो हमने सेल की एंट्री की मिस्टर अनिक टू रेवेन्यू और हमारा कॉस्ट लगा थाउजेंड तो टू हमने दिखा दिया बात खत्म अब हम आ जाएंगे मार्च दिखाएंगे। क्या कौन सा एक तो ये वाला जो गुड्स का नेक्स्ट छह महीने का और एक ये वाला ये दोनों मिला के आप देख लो फिफ्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी सेवन होता है तो सॉरी होता है ना यस कुछ और 400 कितना होता है 15000 477 होते हैं ये मैंने फाइनेंस इनकम की एंट्री डाल दी और इसके अलावा मैं क्या करूंगा अब मैं 31 मार्च को और मैं कुछ नहीं करूंगा आप बोलोगे सर और कुछ नहीं ये तो 1 अप्रैल को भी हो रहा हां वो 1 अप्रैल में हो रहा है अभी नहीं हो रहा तो 31 मार्च को मेरा एक ही एंट्री होगा ये फाइनेंस इनकम का और थर्टी फर्स्ट मार्च तक मैंने कोई सर्विस वगैरह नहीं दिया और मुझे पैसे भी अभी तक नहीं मिले फाइनेंशियल हाँ, ईयर तो मतलब चला गया तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मैं क्या दिखाऊंगा एंट्री मैं दिखाऊंगा मिस्टर अनिक टू रेवेन्यू इतने का मेरा कॉस्ट कितना लगा फिफ्टी थाउजेंड लगा सीओजीएस टू इन्वेंट्री फिफ्टी थाउजेंड हो जाएगा और फाइनली मुझे पैसे भी मिल जाएंगे सारे के सारे

तो कुछ नहीं ये सिंपल सा जर्नल एंट्री का खेल है और कुछ भी नहीं कितना सिंपल है जैसे बस आपको ये क्वेश्चन टफ बिल्कुल भी नहीं बहुत ही ईजी है बस जरूरत है तो ये क्वेश्चन आपको ये भी प्रैक्टिस मांगता है अगर आप थोड़े से भी वीक हो तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है अगर आप वीक नहीं तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो एकदम आराम से होगा आपको एग्जाम में क्या करना है आपको सेग्रीगेट करना है तो मैंने यही किया मैंने अलग अलग इनका प्रेजेंटेशन अलग था मैंने ये अपने प्रेजेंटेशन में बनाया ताकि आपको समझा सकूं फर्स्ट अप्रैल में गुड्स इतना बेचा सर्विस दिया ही नहीं है तो पहला छः महीने का सिर्फ गुड्स में इंटरेस्ट चढ़ा थर्तीस सितंबर को एक सर्विस दी है तो अगले छः महीने में इस गुड्स पे भी इंटरेस्ट चढ़ा इस सर्विस पे भी इंटरेस्ट चढ़ा थर्टी मार्च को ये ड्यू है ये दोनों अमाउंट ड्यू है हमारा और ये दोनों मिला के आप देखना मिस्टर अनिक कितने का आपका दिखेगा सब कुछ सेल और इंटरेस्ट मिला के ये मिस्टर अनिक का ड्यू दिखेगा अब थर्टी मार्च के बाद मैंने वापस एक सर्विस दिया तो इतना मिस्टर अनिक टू रेवेन्यू और दिखाया और लास्ट में हमने बैंक में जो पैसे मिले बैंक टू मिस्टर रनिंग कर दिया और एक बात ध्यान में रखना जितने यहाँ पर हर जगह में कॉस्ट बताया तो जब जैसा जैसा कॉस्ट है अगर कॉस्ट नहीं बताया हुआ रहता तो हम तो एंट्री नहीं करते कॉस्ट बताया इसलिए हर जगह में एक जगह सीओ जी एस टू इन्वेंट्री वन लाख सिक्सटी थाउजेंड हुआ एक जगह सीओ जी एस टू इन्वेंट्री थर्टी थाउजेंड हुआ एक जगह सीओ जी एस टू इन्वेंट्री फिफ्टी थाउजेंड हुआ जितना जितना कॉस्ट है उसका भी हमने एंट्री पास कर दिया तो आप मुझे बताइए अभी आपको समझ में आ गया मेरे ख्याल से एकदम

और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में टू थाउजेंड टू थ्री में क्योंकि 2002 वाला ये, ये दिखा दिया हाँ ये अदर इनकम वाला भी इन्होंने दिखा दिया क्योंकि फाइनेंस इनकम तो पूरा का पूरा करेंट ईयर का ही आप देख लीजिए ये वाला थर्टी सेप्टेंबर तक का और ये थर्टी फर्स्ट मार्च तक का ये दो ये तीनों मिला दो आप ये तीनों मिला के इन्होंने दिखा दिया आप भी दिखा देना ये बेसिकली अदर इनकम में जाता है फाइनेंस इनकम में जाएगा आपका ये है ना अदर इनकम में चला जाएगा और आपका टू थाउजेंड टू थ्री में सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज का जाएगा आपका तो आप अगर बोलोगे सर आप अप अपने हिसाब से बता दो तो देखो टू फाइव वन नाइन टू सेवन मेरा टू थाउजेंड वन टू में जाएगा फोर्टी फाइव थाउजेंड मेरा एक जाएगा और मेरा जो इंटरेस्ट है ये अदर इनकम में जाएगा ये तो रेवेन्यू हो गया ये भी मेरा रेवेन्यू है और अदर इनकम में मेरा क्या जाएगा सब कुछ सब कुछ जाएगा वन टू फाइव नाइन सिक्स प्लस नेक्स्ट छह महीने का क्या किया है वन थ्री डबल टू सेवन डबल टू फाइव जीरो ये जाएगा और करेंट ईयर में क्या होगा करंट ईयर में मेरा सिर्फ और सिर्फ आपका रेवेन्यू जाएगा सर्विस वाला ये गुड्स का हो गया ये सर्विसेज का हो. तो आराम से आपका एकदम आराम से आप कर लोगे इसमें कोई दिक्कत नहीं तो बताओ क्या ये क्वेश्चन भी आप आराम से कर लोगे क्या आप ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे अगर ये क्वेश्चन भी कर लोगे तो फिर से एक बार लाइक like ठोक दो लाइक like ठोक के मुझे पूरा बता दो कि हाँ सर ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया ये वाला भी कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन हालांकि पहले भी मैंने पिछले टर्म के आर टीपीपी में कराया था बट ये फोर्टीन मार्क्स का क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है तो मैं ये क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा ये क्वेश्चन फिर से कराऊंगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन में भी आपको टेंशन नहीं है ये क्वेश्चन भी सिंपल वे में हो जाएगा ये भी काफी सिंपल फॉर्म में हो जाएगा हमारा क्वेश्चन और इसके बाद तो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो तो मैं ऐसे ही करा दूंगा तो अब ये वाले क्वेश्चन में हम आ जाते हैं बताओ क्या तैयार हो अब ये वाले क्वेश्चन में भी है ना हाँ ये नेक्स्ट हम कल डिस्कस कर लेंगे फाइव डेज प्लान और थ्री डेज प्लान हम कल डिस्कस कर लेंगे और प्रोबेबली मेरा प्लान है कि ट्वेंटी या ट्वेंटी को हम एस का मैराथन लेंगे ट्वेंटी फर्स्ट को और ट्वेंटी सिक्स को तो हमारा एफ आर का मैराथन चलेगा सारे मेजर इंडियाज और स्मॉल इंडियाज का तो मैंने मैराथन दिया हुआ ही है ट्वेल्व चैप्टर्स का और बच्चे जो आप बोलोगे सर बच्चे मिड साइज वाले कुछ कुछ जो बच्चे हुए वो हम कोशिश करेंगे ट्वेंटी सेवन को इवनिंग या ट्वेंटी एट को एक और मैराथन लेके सब करवा दूंगा मैं और फाइव डेज प्लान में भी मैं कल आप लोग को बता दूंगा अच्छे से कि कैसे क्या करेंगे नोट्स लिंक अभी तक प्रोवाइड नहीं हुआ है ससांग जी जैसे सेशन खत्म होगा मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा और उसकी लिंक यहाँ पर मिल जाएगी और टेलीग्राम में ढूंढना बहुत आसान है कई बच्चे बोलते हैं सर मिलता नहीं है ढूंढना है ढूंढ लो ढूंढना चलिए तो अभी हम क्वेश्चन नंबर सेवन करते ये भी काफी ईजी काफी सिंपल है सिंपल क्वेश्चन है बस ये सब थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगते हो और कुछ नहीं सिंपल क्वेश्चन है आज ए बी सी लिमिटेड सप्लाइज प्लास्टिक बकेट्स टू होलसेल कस्टमर एज पर दॉन्ट्रैक्ट एंटर इंटू बिटवीन ए लिमिटेड एंड कस्टमर 2019-20. प्राइस पर प्लास्टिक बोतल विल डिक्रीज रेट्रोस्पेक्टिवली डिक्रीज हो जाएगा रेट्रोस्पेक्टिवली डिक्रीज हो जाएगा एज अ सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज बोला जैसे जैसे सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज होगा वैसे वैसे रेट्रोस्पेक्टिवली वो डिक्रीज हो जाएगा इन्होंने बताया भी कि अगर पूरे साल भर में टेन थाउजेंड यूनिट्स खरीदेगा कस्टमर तो उसका प्राइस नाइन्टी रुपीज लगेगी तो मान लीजिए उसने एक बार करेंट ईयर में एक बार उसने फाइव थाउजेंड यूनिट्स खरीदा तो फाइव थाउजेंड यूनिट में उसे नाइन्टी रुपीज करके पेमेंट करना पड़ेगा अब फर्दर आगे जाके मान लो उसने टेन थाउजेंड यूनिट्स को क्रॉस कर दिया आगे जाके तो एंटिटी को क्या करना पड़ेगा उसको रेट्रोस्पेक्टिवली सारे यूनिट पे एट्टी रुपीज करके पकड़ना पड़ेगा और जो भी कुछ पैसा एक्स्ट्रा उसने पहले दिया है वो उसका एडजस्ट करना पड़ेगा है ना तो उस हिसाब से रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्टमेंट होगा और अगर टेन थाउजेंड वन से थर्टी फाइव थाउजेंड यूनिट्स के बीच में कस्टमर परचेज करेगा तो एट्टी रुपीज होगा थर्टी फाइव थाउजेंड वन यूनिट से एबोव होने पर सेवेंटी रुपीज पर यूनिट प्राइस पड़ेगा हमें क्या पूछा जा रहा है ऑल ट्रांजेक्शन आर मेड इन कैश अच्छी बात है हमें क्या बोला जा रहा है पॉइंट नंबर ए में सजेस्ट हाउ रेवेन्यूज टू बी रिकॉग्नाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एबीसी लिमिटेड एज पर एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड तो देखिए हमने पढ़ा हुआ है दो टाइप के मेथड से हम अकाउंटिंग करते हैं एक होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड एक मोस्ट लाइकली अमाउंट चारे रेवेन्यू हो चाहे हमने इंडस थर्टी सेवन प्रोविजन पढ़ा हो हम दो प्रोविजन भी दो मेथड से करते हैं और हम रेवेन्यू भी रिकॉग्नाइज दो मेथड से कर सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड में हम क्या करते हैं सभी के सभी में प्रोबेबिलिटी वीट लगाते हैं और मोस्ट लाइकली अमाउंट में जिसकी हायर प्रोबेबिलिटी उसी को कंसिडर कर लेते हैं तो यहां पर बता भी दिया इन्होंने कि नाइन थाउजेंड यूनिट्स ट्वेंटी एट थाउजेंड यूनिट्स थर्टी सिक्स थाउजेंड यूनिट जो ये अलग अलग दिया हुआ है ये तीनों होने की चांसेस क्या है फिफ्टीन परसेंट उजेंड यूनिट सील होगा सेवेंटी फाइव परसेंट चांस है कि ट्वेंटी एट थाउजेंड यूनिट सील होगा और टेन परसेंट चांस है कि थर्टी सिक्स थाउजंड सील होगा आपका तो अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू मैथड लगाएंगे तो सभी में हमें वेट लगा देना पड़ेगा ये और अगर मोस्ट लाइकली मेथड लगाते तो हम बोलेंगे मोस्ट लाइकली तो 75 परसेंट सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी 28,000 में तो मोस्ट लाइकली मैम ये ले लेंगे बस बात खत्म होती है यहाँ पर लेकिन आगे इन्होंने क्वेश्चन क्वेश्चने बोली दी एक्सपेक्टेड वैल्यू तो एक्सपेक्टेड वैल्यू करना होगा और वर्किंग्स एज्यूमड एड एबीसी लिमिटेड अचीव द सेम नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ सेल्स टू द कस्टमर ड्यूरिंग द ईयर एज इनिशियली एस्टिमेटेड अंडर एक्सपेक्टेड वैल्यू मैथड तो एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड में जितना आपने एस्टिमेट किया एज्यूम करना उतना ही आपका फ्यूचर में सेल होगा तो हम कैसे करेंगे हम बताएंगे कि देखो नाइन थाउजेंड यूनिटी थर्टी सिक्स यूनिट्स ये सेल होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है से वेट्स से निकाल लिया हमने नाइन थाउजेंड का फिफ्टीन परसेंट ट्वेंटी एट थाउजेंड का सेवेंटी फाइव परसेंट थर्टी सिक्स थाउजेंड का टेन परसेंट और ये प्लस करने पर हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू मैथड से हमारा यूनिट्स कितना आ रहा है टू फाइव नाइन फाइव जीरो एक्सपेक्टेड वैल्यू मैथड से हमारा ये आ रहा है और हम मान के भी चलेंगे कि इतना ही हमारा क्या होगा यूनिट्स होगा और एक्चुअल में भी वही अचीव हुआ क्वेश्चन ने बोला भी है कि जितना आपने एस्टिमेट किया उतना ही उन्होंने अचीव भी किया अब यहाँ पर मेरी बात सुनो प्राइस भी अब हमें एवरेज प्राइस निकालना पड़ेगा अब बोलोगे सर आप ऐसा भी तो कर सकते हो टू फाइव नाइन फाइव जीरो यूनिट अगर आपका एक्सपेक्टेड है तो टू फाइव नाइन फाइव जीरो आपका एट्टी रुपीज में फॉल करता है तो अब ये ले लीजिए मैं ऐसा नहीं कर सकता वो मोस्ट लाइकली अमाउंट में हम कर सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड में हमने तीनों को हमने कौन सा ट्वेंटी तो में सेवेंटी तो तो हो सकता है और इसमें प्रोबेबिलिटी भी दिया हुआ है आपका तो हम क्या करेंगे देखो हम सबसे पहले यहाँ पर कैसे प्रोबेबिलिटी वेट सेल्स वैल्यू निकालेंगे हम सबसे पहले बोलेंगे नाइन थाउजेंड यूनिट आपका बिकेगा करके मिलेगा थाउजेंड यूनिट्स पे नाइन्टी रुपीज करके मिलेगा एट लाख टेन थाउजेंड ये होने का इतना आ रहा है अगर नाइन थाउजेंड यूनिट्स बेचेंगे तो नाइनटी रुपीज करके मिलेगा एट लाख टेन थाउजेंड का सेल्स वैल्यू आ रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी फिफ्टीन परसेंट है तो मैंने ये लिख दिया फिर नेक्स्ट वाला ट्वेंटी एट थाउजेंड बेचेंगे तो एट्टी रुपीज करके मिलेगा यार इसकी होने की प्रोबेबिलिटी है सेवेंटी फाइव परसेंट यह आ गया मेरा सेम ऐसे में करूंगा थर्टी सिक्स थाउजेंड वैल्यू निकाला एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड में वैसे निकालोगे प्रोबेबिलिटी वैल्यू से, भी आप वैसे निकालोगे टोटल सेल्स में प्रोबेबिलिटी लगा दो टोटल सेल्स वैल्यू में प्रोबेबिलिटी लगा दो तीन बार इससे आप क्या करो अब टोटल सेल्स वैल्यू को टोटल यूनिट से डिवाइड करोगे तो आपका एवरेज प्राइस पर यूनिट आ जाएगा इसमें तो कोई डाउट ही नहीं तो आप देखिए अब हम इसी को ही करेंगे 79.13 के हिसाब से हम रेवेन्यू दिखाएंगे यही हमारा एवरेज सेल्स वैल्यू है है तो अब यहां पर क्वेश्चन हालांकि नहीं बताया कि कितना कितना यूनिट सेल होगा ये तो बता दिया कि एक्सपेक्टेड जो हमने सोचा है टू फाइव नाइन फाइव जीरो यूनिट जितना हमने सोचा हम इतना ही अचीव करेंगे तो कौन सा ईयर में करेंगे कैसे करेंगे वो नहीं बताया हम यहाँ पर दो तरीके से सोल्यूशन कर सकते हैं ऐसा ने बताया पर मैं एक ही हम मान अच्छा के चलेंगे कि पहले हमने यूनिट्स तक जब बेचा तब तो वो हमें नाइनटी रुपीज देगा फर्स्ट टेन थाउजेंड यूनिट में वो हमें कितना पैसा देगा नाइनटी रुपीज करके देगा पर हम रेवेन्यू नाइन्टी रुपीज करके दिखाएंगे नहीं हम तो ये हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड के हिसाब से हम इसी अमाउंट से रेवेन्यू दिखाएंगे जो एक्सपेक्टेड हमारा वैल्यू आएगा उतना ही हम रेवेन्यू दिखाएंगे तो देखिए फर्स्ट टेन थाउजेंड यूनिट्स में हमें पैसा मिलेगा टेन थाउजेंड यूनिट्स क्योंकि जब तक वो टेन थाउजेंड यूनिट्स क्रॉस नहीं करेगा हम बोलेंगे भाई टेन थाउजेंड यूनिट्स का तो तू नाइन्टी रुपीज करके दे कल को तू जब ज्यादा यूनिट्स खरीदेगा तो हम तेरा एडजस्टमेंट कर देंगे पर फिलहाल तो कोई गारंटी नहीं कि फ्यूचर में तू ज़्यादा खरीदेगा तो फर्स्ट टेन थाउजेंडेंड यूनिट्स तक तो वो हमें नाइनिटी रुपीज़ करके पैसा देगा

तो जब आ गए फर्दर और वो कितना खरीदेगा टेन थाउजेंड तो खरीद लिए जब फर्दर वो फिफ्टी नाइन फिफ्टी खरीदेगा तो वो कितना पैसा देगा आप बताओ वो तब पैसा देगा वो बोलेगा अब तो मेरा स्लैब इसमें आ रहा है टेन से थर्टी फाइव थाउजेंड के स्लैब में आ रहा है वो बोलेगा एटी रुपीज करके बनते है तो वो फर्दर जो वन फाइव नाइन फाइव जीरो यूनिट्स खरीदेगा उस पर वो एट्टी रुपीज़ करके देगा तो आप बोलोगे ट्वेल्व लाख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड देगा इतना भी नहीं देगा वो बोलेगा इतना तो मुझे देना चाहिए पर पहला टेन थाउजेंड यूनिट्स में जो उसने ज़्यादा पैसे दिए थे टेन रुपीज उसको भी तो एडजस्ट करेगा है ना यानी उसको भी तो एडजस्ट करेगा क्योंकि इसने पहला टेन थाउजेंड यूनिट्स में नाइनटी रुपीज करके पैसा दिया था जबकि अब इसका एट्टी का स्लैब आ रहा है रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट होना है तो मतलब टेन रुपीज करके टेन थाउजेंड यूनिट्स में वो वन लाख कम देगा यानी वो देगा इलेवन लाख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड ही पैसा देगा और या फिर आप डायरेक्टली इस प्रकार निकाल सकते हो वो डायरेक्ट टोटल हिसाब करेगा वो बोलिए देख टू फाइव नाइन फाइव जीरो मैंने टोटल खरीदा है और इस पे मुझे एट्टी रुपीज करके आपको देना चाहिए मुझे इतना पैसा आपको देना चाहिए ट्वेंटी लाख ये ज्यादा सिंपल है ट्वेंटी लाख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड टोटल आपका हिसाब बनता है जिसमें मैंने पिछले बार जब मैंने टेन लाख यूनिट्स टेन थाउजेंड यूनिट्स खरीदा था तो आपको मैंने नाइन लाख रुपीज ऑलरेडी दे रखा हुआ है यानी इलेवन लाख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड मुझे आपको और देना है और इसी तरीके से आप एग्जाम में भी कीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा आप ये बोलोगे कि टू फाइव नाइन फाइव जीरो टोटल ले लेना उसमें एट्टी रुपीज करके पैसा देना है लेकिन नाइन लाख तो पहले से दिया हुआ ही है तो अब इतना पैसा वो देगा हम रेवेन्यू कितना दिखाएंगे हम रेवेन्यू तो वन फाइव नाइन फाइव जीरो का सेवन पॉइंट इतना दिखा देंगे तो हम रेवेन्यू तो ज्यादा दिखा रहे पर पैसा तो कम मिल रहा है तो हम क्या करेंगे जो पहले लाइबिलिटी हमने खड़ा किया हुआ था ना उसको रिवर्स कर देंगे हमने लाइबिलिटी खड़ा ही क्यों किया था वो बाद में पहले एक्सेस पैसा मिला था तो लाइबिलिटी खड़ा किया था अब इतना हमें पैसा रेवेन्यू दिखाना चाहिए पर हमें पैसा इतना ही मिल रहा है

एट्टी के स्लैब में आ रहा है पर हमने तो सेवन पॉइंट वन थ्री करके दिखाया था तो कितना हमारा शॉर्ट फॉल दिखा रहे पॉइंट एट सेवन का क्योंकि एट्टी रुपीज करके पैसा मिला है पर हम रेवेन्यू सेवनटी नाइन पॉइंट वन थ्री के हिसाब से दिखा रहे थे यानी पॉइंट एट सेवन का हमने रेवेन्यू दिखाया नहीं था पॉइंट एट सेवन आप देखो ये तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये आपका इतने का लाइबिलिटी है बैलेंस बचा हुआ है आप देखिए पॉइंट एट सेवन इन टू फाइव नाइन फाइव जीरो कर लो आप डबल टू फाइव सेवन तो अब आगे जो बचा हुआ लाइबिलिटी उसका कोई काम नहीं है तो रिफंड करना नहीं है तो बचा हुआ लाइबिलिटी को भी रेवेन्यू में डाल दो बात खत्म आप चाहो तो पॉइंट नंबर टू पॉइंट नंबर को मर्ज भी कर सकते हो पर मत करना एग्जाम एग्जाम में एक्जाम में आप ऐसे करना आप एग्जाम में देखना कि पैसे कितने और मिल रहे हैं हम रेवेन्यू कितना दिखा सकते हैं टेन थाउजेंड का जैसे हमने सेवनटी नाइन पॉइंट वन थ्री करके दिखाया वैसे वन फाइव नाइन फाइव जीरो का भी सेवेंटी नाइन पॉइंट वन थ्री करके रेवेन्यू दिखाएंगे बचा हुआ लाइबिलिटी को रिवर्स करेंगे अब जितना जो बचा हुआ लाइबिलिटी और वो कुछ नहीं है वो पॉइंट एट सेवन का डिफरेंस है एंटायर टू फाइव नाइन फाइव जीरो यूनिट्स पे तो यहाँ पर मैं चाहू तो ऐसे भी लिखा हुआ है मैंने देखो टू फाइव नाइन फाइव जीरो यूनिट्स का पॉइंट एट सेवन करके

ये बोल रहे हैं कि अगर मोस्ट लाइकली अमाउंट मेथड से अगर आप मेजरमेंट करते हैं इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू तो रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज होता Books of accounts में, है ना और वर्किंग्स आपको करने के लिए मान लो कि assume करो कि जितना आपने सोचा है मोस्ट लाइकली में उतना अचीव भी हुआ तो मोस्ट लाइकली में आप क्या लोगे आप खुद बताओ मोस्ट लाइकली में आपको क्या लेना चाहिए मोस्ट लाइकली कौन सा आ रहा है आपका 28,000 ट्वेंटी फाइव परसेंट मोस्ट लाइकली में 28,000 यूनिट्स आ रहा है तो हम क्या करेंगे मोस्ट लाइकली में ये यूनिट्स ले, ले लेंगे

पूरा ट्वेंटी एट थाउजेंड यूनिट्स पे एट्टी रुपीज करके पकड़ेगा माइनस नाइन लाख कर देगा जो पहले उसने पैसा दिया था वो इतना पैसा देगा बट हम रेवेन्यू कितना दिखाएंगे एटीन थाउजेंड यूनिट्स का एट्टी रुपीज करके रेवेन्यू दिखाएंगे और बचा ही लाइबिलिटी आपका रिवर्स हो जाएगा तो वही चीज इन्होंने लिखा हुआ इसमें समझाने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं सिंपल सी बात एकदम सिंपल है पॉइंट नंबर सी जब आपने समझ लिया तो इसमें तो कुछ दम ही नहीं मतलब कहने का मतलब फर्स्ट टेन थाउजेंड यूनिट्स में हमें नाइनटी रुपीज करके पैसा मिल रहा है पर हम रेवेन्यू एट्टी रुपीज करके दिखा रहे हैं तो टेन रुपीज का आपका लाइबिलिटी खड़ा हुआ टेन थाउजेंड यूनिट्स में अब आगे जब ये फर्दर और ये एटीन थाउजेंड यूनिट खरीद लेगा तो वो सेट ऑफ कर लेगा वो तो वो सेट ऑफ करके देखो ये नाइन लाख रुपीज माइनस करके वो पैसे कम दे रहा है बट हमें रेवेन्यू तो इतना दिखाना है एटीन थाउजेंड एटी। तो ये कम दे रहा है तो बच्चा वो लाइबिलिटी से एडजस्ट हो गया बस बात खत्म ये जर्नल एंट्री आपको पास नहीं करना है क्योंकि बोला नहीं है पर फिर भी आप एग्जाम में चाहो तो जर्नल एंट्री पास कर सकते हो और अदरवाइज आप थ्योरी में जो उन्होंने लिखा हुआ है मैंने उसी को जर्नल एंट्री का रूप दे दिया आप जर्नल एंट्री का रूप से दिखाइए या फिर थ्योरी में दिखाइए कोई प्रॉब्लम नहीं दोनों में आपको क्लियरिटी मिलेगी तो आप बताओ क्या ये क्वेश्चन अब आप कर लोगे हाँ या ना मुझे बता दो कि और समझाने की जरूरत है तो मुझे बता दो आप कनिका जी बोल रहे हैं कि सर का साहब ऑडिट लॉ भी पढ़ाते हैं क्या पता मैं ऑडिट लॉ पढ़ाता तो अच्छा नहीं पढ़ाता सर है ना क्योंकि एक इंसान आप देखिएगा हर चीज में वो बेहतर नहीं हो सकता तो ऐसा नहीं कनिका जी आ, क्या पता मैं बहुत खराब पढ़ाता हूँ ऑडिट लॉ और आप लोग सब भाग जाते हैं कि मेरा बचपन से इंटरेस्ट प्रैक्टिकल्स में रहा है हमेशा से मतलब प्रैक्टिकल्स में मेरा इंटरेस्ट रहा है तो मैं शायद उतना मैं नहीं अच्छा पढ़ा पाता आपको थ्योरी में क्या पता जितना मैं प्रैक्टिकल में मुझे लगता है थोड़ा बहुत अच्छा पढ़ा देता हूँ चलो सभी कह रहे मज़ा आ गया एकदम क्लियर हो गया तो सब कोई क्लियर हो गया तो लाइक ठोको यार कभी तो पता चलेगा क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है अगर क्लियर हुआ तो लाइक ठोको एक बार और कोई डाउट है तो पूछ लो भी डाउट भी ले रहा हूँ मैं मैं एक मिनट का एक मिनट तो नहीं थर्टी सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ कोई डाउट पूछ लेगा तो मैं ले लूंगा अदरवाइस अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है डेट डजेंट मीन कि आगे नहीं पूछा जाएगा ये मे टू में, में क्वेश्चन आ चुका और मैंने पिछली बार भी आर टी पी एम टी पी में क्वेश्चन करवाया था करवाया था पिछली बार और आ भी गया था एग्जाम में एग्जाम में भी क्वेश्चन आ गया था आगे भी क्या पता आ जाएगा आगे भी क्या पता आ जाएगा तो चलिए अब ये हम करते हैं ठीक है ये वाला क्वेश्चन भी करते हैं सर तो पांच बार लाइक कर दिया बहुत अच्छी बात है आप है ना उसमें ऑर्ड नंबर में लाइक कर सकते हो तो इवन में मत करना नहीं तो वो लाइक लाइक चला जाएगा लाइक डिसलाइक लाइक डिसलाइक लाइक हो जाएगा ना फिर लाइक अनलाइक हो जाएगा फिर पांच बार करो सात बार करो चलेगा दो चार छह आठ मत करना तो वो लाइक उड़ जाएगा फिर चलो क्वेश्चन नंबर वन करते हैं आरटीपी मे टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है बस इस क्वेश्चन में लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम है और मैंने एक चीज नोटिस किया है जिस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है ना ऐसे को मजा आता है वो क्वेश्चन पूछ इस क्वेश्चन में भी छोटी सी प्रॉब्लम है ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है छोटी सी प्रॉब्लम है विनय जी बोल रहे सर स्टडी में मन नहीं लग रहा टेंशन हो रही है मन नहीं लग रहा इसलिए तो टेंशन हो रही है पढ़ाई करो यार अभी मन लग रहा है नहीं लग रहा है डेट डजेंट मैटर अभी हमें पढ़ना पड़ेगा बाई हुक बाई क्रुक हमें पढ़ना ही पड़ेगा अभी ये मैटर ही नहीं करता कि आपको मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है कैसे ही पढ़ो आपको पढ़ना ही पड़ेगा अब ये समझ लीजिए तो कोई भी बच्चा अगर अभी ये बोल रहा है ना मन नहीं लग रहा है तो बेमन से पढ़ना तो पड़ेगा आपको अभी आपका एग्जाम बहुत पास है तो पढ़ाई कीजिए स्टडी प्लान कल हम डिस्कस करेंगे मैंने ऑलरेडी बताया कल हम मॉर्निंग ग्यारह बजे या एक बजे हम डिस्कस करेंगे आइए तो क्वेश्चन नंबर वन अभी हम करते हैं ऑन फर्स्ट अप्रैल टू थाउज एस लिमिटेड एंटर्स इंटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद कॉर्प लिमिटेड टू कंस्ट्रक्ट हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट फॉर ए प्रोमिसंसिडरेशन और ट्वेंटी लाख यानी यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं कि ट्वेंटी लाख रुपीज के प्रोमिस कंसिडरेशन में एक कॉन्ट्रैक्ट हमने लिया है और बोनस भी मिलेगा टू लाख फिफ्टी थाउजेंड का ये वेरिएबल कंसिडरेशन है ये मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है ये तभी मिलेगा अगर ट्वेंटी फोर मंथस के अंदर काम कंप्लीट होगा एट द इंसेप्सन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एस लिमिटेड करेक्टली अकाउंट फ्रॉम द फॉर द प्रोम बंडल ऑफ गुड्स एंड सर्विस एस एल पी ओ बोल रहे कि ये सिंगल पी ओ आपका ऑब्वियसली बात है आपका वेरिएबल कंसिडरेशन भी तो उसी से रिलेटेड दिया जा रहा है सिंगल पी ओ है

और अगर आपने ये दिखा दिया तो ये बाद में रिवर्स करना पड़ेगा आपको नहीं लगता आप इसके लिए एलिजिबल तो हमने तो देखा है था वेरिएबल कंसीडरेशन में हम एक्सपेक्टेशन करते हैं हमें लगता है कि हम अचीव कर लेंगे तो हम इसे ट्रांजेक्शन प्राइस का हिस्सा मानते हैं बट जबकि हमें लग रहा है इनसेप्शन में कि हम इसे अचीव नहीं करेंगे तो ये हमारा ट्रांजेक्शन प्राइस का हिस्सा नहीं होगा तो ट्रांजेक्शन प्राइस हम कितना मानेंगे ट्वेंटी लाख मानेंगे कॉस्ट हम कितना मानेंगे इलेवन लाख मानेंगे कंप्लीशन ऑफ द हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट इज हाइली सक्सेप्टिबल टू फैक्टर्स आउटसाइड ऑफ द कंपनीज इन्फ्लुएंस मेनली ड्यू टू डिफिकल्टी विद द सप्लाई ऑफ कम्पोनेस रीजन भी बता दिया बोला कि कॉम्पोनेट्स वगैरह की सप्लाई में डिफिकल्टी होने की वजह से हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे टाइम में है ना और ये सस्पेंस यहाँ पर मतलब चांसेस कम लग रहे हैं कंप्लीट होने का तो ठीक है आप इसे मत लो ट्रांजेक्शन प्राइस में सिर्फ ट्वेंटी लाख लो एट थर्टी फर्स्ट मार्च एस लिमिटेड ने सिक्सटी फाइव परसेंट अपना पीओ सेटिस्फाई कर दिया है और वेरिएबल कंसिडरेशन स्टिलेशन में स्टिल चांस नहीं कंस्ट्रेंड लग रहा नहीं हो पाएगा तो हमने ट्रांजेक्शन प्राइस में इसको हिस्सा मानेंगे भी नहीं हमें आपको अब यहाँ पर आगे क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर एक लाइन बस मुझे चाहिए मैं एक बार पूरा क्वेश्चन जरूर पढ़ता हूँ हावर ऑन फॉर्चून कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हुआ फिक्स कॉन्सिडरेशन इंक्रीज हुआ टाइम मिला सिक्स मंथ है ये डेट इट इज़ हाईली प्रोबेबल चलो ये लिखा हुआ नहीं है हम ये यहाँ पर बस ये मानना चाहेंगे मेरे हिसाब से जबकि क्वेश्चन बोल रहे कि सिक्सटी फाइव परसेंट पी ओ आपने थर्टी फर्स्ट मार्च को ट्रांसफर कर दिया हम एज्यूम करेंगे कि यहाँ पर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगा एट ए पॉइंट इन टाइम सेटिस्फाई नहीं होगा हम एज्यूम करेंगे कि पी ओ सेटिस्फाई होगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यानी कंट्रोल ट्रांसफर होगा यहाँ पर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और हम सिक्सटी फर्स्ट फाइव परसेंट अगर हम काम खत्म कर दे रहे हैं तो सिक्सटी फाइव परसेंट हम रेवन्यू दिखा देंगे क्वेश्चन में मुझे दिखा तो नहीं है कि कहीं पर लिखा हुआ है अगर नहीं लिखा हुआ तो आपने आप काम खत्म कर दिया है तो आप ट्वेंटी लाख का सिक्सटी फाइव परसेंट रेवेन्यू दिखा दीजिए इलेवन लाख का सिक्सटी फाइव परसेंट खर्चा दिखा दीजिए बात खत्म है ना हम ओवर टाइम मान लेंगे तो आप देखिए थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड टू को

कॉन्ट्रैक्ट मोडिफाई हुआ विद द रिजल्ट डेट फिक्स कंसिडरेशन एंड एक्सपेक्टेड कॉस्ट इंक्रीज बाय वन लाख फिफ्टी थाउजेंड एंड एट्टी थाउजेंड रेस्पेक्टिवली तो जो आपका ट्वेंटी लाख का जो कंसिड्रेशन आपको मिलता अब मॉडिफाई हो गया आप कस्टमर मुझे और वन लाख फिफ्टी थाउजेंड ज्यादा देगा तो so, मेरा ट्रांजेक्शन प्राइस कितना होगा ट्वेंटी लाख प्लस वन पॉइंट फाइव लाख यानी ट्वेंटी वन लाख फिफ्टी थाउजेंड मेरा ट्रांजेक्शन प्राइस है और मेरा कॉस्ट भी जो है मोडिफिकेशन की वजह से मेरा कॉस्ट अब कितना लगेगा पुराना इलेवन प्लस पॉइंट एट

तो अब देखिए अब हमारा बोनस अचीव हो जाएगा हमें लग रहा है तो अगर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमें लग रहा है कि बोनस हमारा अचीव हो जाएगा तो हम रीअमेंट करेंगे का अब हमारा ट्रांजेक्शन प्राइस क्या होगा पता है ट्वेंटी लाख में ये भी इंक्लूड हो जाएगा तो ट्वेंटी लाख में एक तो ये इंक्लूड किया ही हमने जो हमें मिलेगा और अब वेरिएबल कंसीडरेशन भी हमारा इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि अब हमें लग रहा है कि हम बोनस अचीव कर जाएंगे तो हमारा अब ट्रांजैक्शन प्राइस कितना होगा ट्वेंटी प्लस थाउजेंड मोडिफिकेशन की वजह से मिलेगा और ये वेरिएबल कंसीडरेशन भी अब इसका हिस्सा होगा तो ट्वेंटी फोर लाख हमारा ट्रांजेक्शन प्राइस होगा कॉस्ट हमारा कितना होगा इलेवन लाख कॉस्ट हमारा टोटल एट्टी थाउजेंड हम और हम एक्सपेक्ट करें हमारा खर्चा होगा इलेवन लाख एट्टी थाउजेंड हमारा कॉस्ट होगा टोटल

और टोटल हमारा खर्चा जबकि इलेवन लाख ,00, 80,000 थाउजेंड होगी अब तो हमारा परसेंटेज जो फाइव परसेंट पहले माना था अब वो सिक्सटी फाइव परसेंट नहीं होगा अब हमारा पॉइंट सिक्स कैसे पहले तो सेवन लाख फिफ्टीन थाउजेंड को हमने डिवाइड बाई इलेवन लाख ,00 किया था इन टू हंड्रेड उससे सिक्सटी फाइव परसेंट आया अब हम बोलेंगे कि सेवन लाख फिफ्टीन थाउजेंड ही हमारा खर्चा हुआ है लेकिन अब हमारा टोटल कॉस्ट जो लगेगा इलेवन लाख एट्टी थाउजेंड लगेगा तो उस हिसाब से सिक्सटी पॉइंट फाइव नाइन परसेंट आ रहा है यानी सिक्सटी पॉइंट सिक्स जीरो परसेंट आ रहा है तो यहां पर एग्जाम में आप गलती कर सकते हो ये वाला ध्यान रखना आपको परसेंटेज वर्क कंप्लीशन निकालना है और इसी में मुझे थोड़ा सा इशू है ये इशू है कि अगले साल तक और भी तो काम में खर्चा हुआ होगा तो वो खर्चा कहाँ है वो खर्चा इन्होंने कोई हिसाब ही नहीं दिया

कॉस्ट इनकर के बेसिस में इन्होंने डिटरमाइन किया 65 परसेंट मतलब ये जो 65 फाइव परसेंट इन्होंने निकाला इन्होंने निकाला किस बेसिस में 20 सॉरी 11 लाख का 65 फाइव परसेंट यानी सात सेवन लाख फिफ्टीन खर्चा के बेसिस में इन्होंने परसेंटेज निकाला तो हम मान रहे हैं कि यहां पर कौन सा मेथड यूज हो रहा है इनपुट मैथड यूज हो रहा है ठीक है इनपुट मैथड यहां पर यूज हो रहा हमारा और उसी बेसिस में हमने बोला कि आगे भी हमारा यही खर्चा हुआ एक्स्ट्रा हमने कोई खर्चा किया ही नहीं है लेकिन टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट चेंज होने की वजह से अब हमारा जीरो तो है, है रेवेन्यू टोटल ट्रांजेक्शन बेस कितना ट्वेंटी फोर लाख ट्वेंटी फोर लाख का सिक्सटी पॉइंट जीरो परसेंट कितना होता है ट्वेंटी फोर लाख का सिक्सटी पॉइंट सिक्स परसेंटेज ये होता है फोर्टीन लाख फिफ्टी फोर थाड का हम रेवेन्यू दिखा सकते बट हमने पिछले साल तो ऑलरेडी थर्टीन लाख का रेवेन्यू दिखा चुके हम तो अब बचा हुआ कितना 1, 54, 400, बचा हुआ रेवेन्यू हम मार्च में दिखाएंगे बात खत्म और ये मेरा खुद का सेल्फ नोट है कि ये एज्यूम किया है कि टू थाउजेंड टू थ्री में हमने कोई कॉस्ट इन करने की तो टू थाउजेंड वन टू में बस जो हमने कॉस्ट इनकर किया था है ना थाउजेंड uh, वही इस साल है बट जो कि लॉजिकल नहीं लग रहा मुझे प्रैक्टिकल नहीं लग रहा मुझे ठीक है तो आप बस ये ध्यान में रखिएगा तो आप बताइए क्या ये समझ में आया तो मतलब हमें ये समझ में आया यहां पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूं टू थाउजेंड वन टू में हमारा थर्टीन लाख ,00 का हमने रेवेन्यू दिखाया और बचा हुआ टू थाउजेंड टू थ्री में वन फिफ्टी फोर फोर हंड्रेड का हमने रेवेन्यू दिखाया बताइए क्या ये क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे अब एग्जाम में आएगा तो कुछ नहीं करना पहले पीरियड में तो कुछ करना नहीं है अगले पीरियड में नया ट्रांजेक्शन प्राइस नया कॉस्ट है तो ये नया कॉस्ट को पुराने जो खर्चे आपने किया उस बेसिस में परसेंटेज निकाला परसेंटेज टोटल ट्रांजेक्शन प्राइस ट्वेंटी फोर लाख में निकाला तो टोटल जो आया उसमें से पुराना थर्टीन लाख माइनस करके आपने नया एडिशनल रेवेन्यू कितना रिकोगनाइज करना है वो आपने बता दिया आप बताओ क्या डन है ये क्वेश्चन भी डन है अगर ये क्वेश्चन भी डन है तो अब तो भाई बच्चे लोग आएंगे बच्चे लोगों को छुट्टियों में सलटाएंगे फटाफट से तो मैं अब बिना किसी देर के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं आप बताओ अभी तक मैंने जितने भी हाई फाई क्वेश्चन थे मैंने करा दिया अब एक इलेस्ट्रेशन फिफ्टी सिक्स कराऊंगा मैं आखिर में इलस्टेशन फिफ्टी सिक्स एक अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछने का भी चांस है मैंने अपने टेस्ट पेपर में भी डाला था वो मैं कराऊंगा बट उससे पहले और रिमेनिंग कुछ भी आर टी पी की क्वेश्चन है वो मैं आपको फटाफट से करवा देता हूँ चलिए और अगर समझ में आ रहा है तो कोई बच्चा लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक कीजिएगा

इंटरेस्ट के साथ मिलेगा तो आपका टोटल अमाउंट वैल्यू फोर्टी लाख नहीं है टोटल ट्रांजेक्शन और ट्वेल्व मंथ्स का इंटरेस्ट होगा थ्री परसेंट आपको फोर्टी वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड मिलेगी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है तो फोर्टी वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड मिलेगा अब क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि मार्केट का रेट एट परसेंट है तो आपको पता है प्रॉब्लम क्या है बच्चे क्या सोचते पता है सर सिंपल सी बात है इसमें फोर्टी लाख आपका ट्रांजेक्शन प्राइस है फोर्टी लाख हम रेवेन्यू दिखाएंगे और बचा हुआ वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड हम दिखाएंगे क्या इंटरेस्ट नहीं ऐसा नहीं कर सकते इंटरेस्ट आपको आपको ये नहीं देखना आपको ये देखना आपको पैसा कितना मिलेगा अगर क्वेश्चन ये बोलता कि इसकी कैश सेलिंग प्राइस फोर्टी लाख रुपीस है ना तो भी मैं फोर्टी लाख को ट्रांजेक्शन प्राइस नहीं मानता मैं क्या बोलूंगा आप देखो मेरा एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल इस लॉजिक के पीछे अगर मान लो एक मेरे पास मोबाइल फोन है मैं मोबाइल फोन बेचता हूँ

ना कि फेयर वैल्यू के लुक एट करते तो आप देखो 41 लाख 20000 मुझे मिलेगा कब आज जीरो टियर है फर्स्ट ईयर में मुझे 41 लाख 20000 मिलेगा है ना फर्स्ट ईयर में मुझे मिलेगा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है तो मुझे फर्स्ट ईयर में जो ये मिल रहा है ना ये आपका 1.08 है देखा जाए तो फर्स्ट ईयर में मुझे मेरा फर्नीचर का भी पैसा मिलना चाहिए एट परसेंट मार्केट का रेट परसेंट इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए तो मैं बोलूंगा ये जो फोर्टी वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड मुझे मिल रहा है ये भले कस्टमर बोलते थ्री परसेंट का रेट है या एंटिटी बोलते 3 नहीं माना जाएगा मार्केट रेट है तो आपको एग्जाम में क्या करना आपको देखना है कि पेमेंट कितना मिलेगा आप ये देखो पेमेंट फ्यूचर में हमें ये मतलब नहीं थ्री परसेंट मतलब नहीं है तो कोई भी कुछ भी बना लेगा आप देखो फ्यूचर में फोर्टी वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड मिलेगा और इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा मार्केट रेट से ऐसा एक इलस्ट्रेशन भी मैंने करवाया है

जब हमने बेचा आज ही तो एंट्री क्या हो जाएगी रिसीवल टू रेवेन्यू इतने की और एक साल के बाद हम रिसीवल टू इंटरेस्ट इनकम इतने का दिखाएंगे और एक साल के बाद जब पैसा मिल जाएगा तो बैंक रिसीवल हो जाएगा बस बात खत्म तीनों एंट्री भी मैंने बता दी आपको सिंपल सी बात है तो ये क्वेश्चन में बस ध्यान रखना ये क्वेश्चन इसलिए मैंने इंक्लूड किया क्योंकि मुझे लगा यहां पर बच्चे गलती कर सकते अब मेरे ख्याल से अब ये गलती नहीं करोगे तो अब ये वाला क्वेश्चन भी अगर आपका हो चुका है तो मैं क्वेश्चन बैंक में आता हूँ मैं अब देख लेता हूँ क्या क्वेश्चन और बचा हुआ जो मुझे आपको करवाना चाहिए वो क्वेश्चन भी मैं आपको फटाफट से गो थ्रू करवा देता हूं जो तो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है ताकि ये वीडियो देखने के बाद फिर आपको आरटीपी एम की टेंशन नहीं लेनी है ये तो मैंने करवा ही दिया ये क्वेश्चन जरूरत नहीं आप खुद से गो थ्रू कर सकते हो तो जो जो इंपॉर्टेंट है वही मैं बता रहा हूं ये वाला क्वेश्चन में भी एक जगह गलती कर सकते हैं छोटी सी एक बात मुझे आपको बताने यहां पर देखिए ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक बार। ड्यूरिंग टू थाउजेंड वन टू एक्सवाई जेड लिमिटेड ने कंप्लीट किया लार्ज कॉन्ट्रैक्ट जिसमें वो इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा है कस्टमर को टोटल पैसा कितना ले रहा है कस्टमर्स ऑर्डर वाई जेड लिमिटेड ने एग्री किया कि वो इक्विपमेंट मेंटेन करके भी देगा तीन सालों तक थ्री ईयरस तक मेंटेन करके देगा अगर मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट नहीं होता तो सेल प्राइस आपका फोर एटी फाइव फाइव होता है इन्होंने बता दिया कि जो सप्लाई कर रहे ना इक्विपमेंट उसकी स्टैंड प्राइस ये है अगर हम मेंटेनेंस नहीं देते तो इतना पैसा मिलता और मेंटेनेंस एलोन का पैसा कितना लेते हैं बता ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर एनम तो पता बच्चे एग्जाम में क्या गलती करेंगे ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ वो बोलेंगे सर ठीक है हम समझ गए हमें फाइव लाख रुपीज हमें जो टोटल कंसिड्रेशन मिलेगा यहाँ पर दो पी है एक पीओ है हम इक्विपमेंट सेल करें और दूसरा पीओ मेंटेनेंस सर्विस तो अब बच्चे क्या करेंगे इन दोनों में एलोकेट कर देंगे

और दूसरा हमारा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है मेंटेनेंस जिसकी स्टैंडर्ड लोन वैल्यू इतनी है तो आप फाइव लाख रुपीज को इन दोनों रेशियो में एलोकेट करोगे और जब आप इक्विपमेंट बेच दोगे इतने का रेवेन्यू दिखाओगे और ये आपका मेंटेनेंस का रेवेन्यू है ये तीन सालों सालों में में तोड़ तोड़ के जैसे जैसे मेंटेनेंस दोगे वैसे वैसे आप रेवेन्यू दिखाओगे बस ये चीज आपको ध्यान में रखना है और ये थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब आप भूलोगे ना एग्जाम में अगर अब नहीं देखते ना ये वाला क्वेश्चन देखने को ईजी है पर ये आप गलती करके आते हैं बताओ बच्चे आप लोग ही बताओ मुझे क्या आप ये गलती नहीं करके आते तो मुझे पता है आप कहा गलती कर सकते हो वो जगह पे मैं टारगेट करता हूँ और वो मैं बताने की कोशिश कर देता हूँ एक जन बोला सर सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट करवा दीजिए क्यों कराऊ भला जो आपका साढ़े छह घंटे का वीडियो है उसमें इलेस्ट्रेशन के सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट के सभी ये सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट करवाए हुए वहां पर तो मैं ये मान के चला हूं कि आप लोगों ने मेरा 6.5 पॉइंट आवर्स का वीडियो जो है उसमें कंसेप्ट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इलेस्ट्रेशन वगैरह के देख रखे होंगे वहां पर जो करवाया वो यहाँ पर नहीं करवाऊंगा डबल डबल कराना कोई सेंस नहीं बनेगा और अभी सी सीए का लास्ट टाइम बचा है अभी तो आप लोगों ने आई थिंक वो सब देख के खत्म कर लिया होगा नहीं किया तो आप लोग की गलती इतने कितने टाइम से चिल्ला रहा हूँ पढ़ लो पढ़ लो कितने बार तो मैंने टेलीग्राम में लिंक डाल दिया बार बार आप बताओ डाला नहीं हो तो जो भी टेलीग्राम में है काफी टाइम से उन्होंने देखा होगा मैं पिछले तीन महीना से बार बार लिंक डालता हूँ इस भरोसे डाल दूंगा तो क्या पता उनको पता चल जाएगा और वो लिंक से देख के खत्म कर देंगे उसके बावजूद भी अगर आपने नहीं देखा तो मैं क्या कर सकता हूँ कितने बार मैं आप लोगों को बार बार डालता हूँ मैं अवेयरनेस करने के लिए कि आप लोग शायद इस भरोसे देख लोगे आप क्या पता ये एक और पॉइंट्स वाला क्वेश्चन आ गया ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है एक बार फटाफट गो थ्रू करवा देता हूँ यहाँ पर देखिए ए लिमिटेड ट्वेंटी रिजोर्ट ऑन करता है एवरी कस्टमर जो स्टे करेगा रिजॉर्ट में उसको पॉइंट्स मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ टोटल अमाउंट जो वो पे करेगा उस पर पॉइंट्स मिलेगा अंडर स्कीम में इस स्कीम में क्या हंड्रेड रुपीज स्पेंड करने पर वन पॉइंट मिलेगा और पास एक्सपीरियंस कहता है कि हंड्रेड परसेंट ही पॉइंट्स का एक्सरसाइज किया जाएगा तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है टेन थाउजेंड रुपीज स्पेंड करने पर उसे हंड्रेड पॉइंट मिलेगा और एक पॉइंट की वैल्यू है फाइव रुपीज तो आपकी जो पॉइंट है उसकी वैल्यू होगी फाइव हंड्रेड रुपीज तो कहने का मतलब देखो हम आज कस्टमर को जो सर्विस दे रहे हैं रिजॉर्ट का आज तो वो टेन थाउजेंड रुपीज खर्चा करके आज रिजॉर्ट का बेनिफिट टेन थाउजेंड रुपीज ले रहे हैं बट फ्यूचर में भी वो फाइव हंड्रेड रुपीज का डिस्काउंट क्लेम करेगा और हंड्रेड परसेंट प्रोबेबिलिटी क्लेम करेगा अब अगर यहाँ पर लिखा हुआ रहता है एट्टी परसेंट जैसे एग्जाम में थोड़ा घुमा सकता है वो बोलेंगे एट्टी परसेंट ही क्लेम होता फिर फाइव हंड्रेड हम नहीं पकड़ते फिर हम इसे फोर हंड्रेड पकड़ते फाइव हंड्रेड का एट्टी परसेंट हम फोर हंड्रेड पकड़ते बोलता है सेवेंटी परसेंट तो हम थ्री फिफ्टी पकड़ते हैं तो अभी पर हमने स्टैंड प्राइस निकाल लिया। एक का फ्यूचर में फाइव हंड्रेड का जो सर्विस ले। तो आज जो का ले रहे वो तो आज रेवेन्यू दिखा देंगे और ये हम कॉन्ट्रैक्ट लाइब्रिलिटी क्रिएट कर देंगे तो टेन आज हमें पैसा मिल रहा है उसके बदले हम दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आज टेन थाउजेंड की सर्विस दे रहे हैं और फ्यूचर में फाइव मिनट पॉइंट्स के जरिए फाइव मिनट की सर्विस फ्यूचर में देंगे उस रेशियो में बांट दू नाइन फाइव टू फोर आज रेवेन्यू दिखा देंगे 4, 76, आज फ्यूचर में जब वो यूटिलाइज कर लेगा तब रेवेन्यू में ट्रांसफर होगा तो अब ये क्वेश्चन भी आप आराम से संभाल लोगे ये क्वेश्चन तो मैंने करवा ही दिया यह सब सारे क्वेश्चन तो ये सब हो ही गए और देखता हूँ ये भी क्वेश्चन करा दिया कि लिमिटेड वाला अच्छा क्वेश्चन था ये करा दिया ये तो बेकार सा क्वेश्चन आने का चांस भी नहीं थ्योरी क्वेश्चन आप देखना चाहो देख लो अदरवाइज कुछ काम का नहीं है ये क्वेश्चन भी एक अच्छा मोडिफिकेशन का क्वेश्चन है करा दूंगा मैं आपको और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से अब कराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एकदम सिंपल क्वेश्चन है यहां पर भी यही हो रहा है यहां पर पता है इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवाया है आप लोग को यह आप खुद से कर लोगे आराम से इलेस्ट्रेशन आपने क्या वन लिमिटेड करवा दिया देख लेता हूँ और एक इलस्ट्रेशन फिफ्टी भी तो कराना बाकी ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन सिंपल क्या इलेस्ट्रेशन सिक्सटी का सिमिलर है साढ़े छः घंटे वाले में करा है ये क्वेश्चन अभी मैंने करवा दिया आप लोग को और क्या बचा है यह क्वेश्चन भी सेम आपका इलेस्ट्रेशन फिफ्टी फोर का ही रिपीट है तो ये क्वेश्चन नहीं करवाने इलेस्ट्रेशन फिफ्टी फोर मैंने उसमें करवाया साढ़े छह घंटे वाले वीडियो में वो सेम क्वेश्चन रिपीट है और कुछ बचता नहीं ये वाला क्वेश्चन मैंने करवा दिया अभी है ना और ये वाला क्वेश्चन भी एकदम सिंपल है बट फिर भी अगर आप बोलोगे तो मैं एक बार गो थ्रू करवा दूंगा चलो, तो ये क्वेश्चन पहले मैं गो थ्रू करवा देता हूँ एकदम सिंपल सा क्वेश्चन अब समय ज्यादा नहीं लगेगा अब हमारा फटाफट से हो जाएगा बोलो परफेक्टली चल रहा है ना सब कुछ एकदम अच्छे ए पीरियड ऑफ टूर्स कस्टमर बेचे साथ में सर्विस भी देगा टू ईयर्स तक का और दो चीज दे रहे फ्रॉम द डेट ऑफ सच सेल विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस अमाउंट पेबल बाय कस्टमर क्या होगा अगर वो थर्टी फर्स्ट जनवरी तक पैसा देगा तो एट लाख देगा ट्वेंटी एट फरवरी टू थाउजेंड एटीन को पैसा दिया तो एट लाख टेन थाउजेंड देना पड़ेगा थर्टी फर्स्ट मार्च को पैसा दिया तो एट लाख ट्वेंटी थाउजेंड देना पड़ेगा उसे अब देखिए यहाँ पर बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस हाईली प्रोबेबल है कि कस्टमर पेमेंट करेगा ट्वेंटी एट फेबरी को तो ट्वेंटी एट फरवरी को अगर वो पेमेंट करेगा तो उसमें एट लाख टेन थाउजेंड रुपीज जो है हमें पैसा मिलेगा यहाँ पर

गुड्स में और सर्विस में इन द उसमें से तो ये देखो पॉइंट नंबर थ्री में सिक्स लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड आ गया पॉइंट नंबर फोर में वन लाख थर्टी फाइव थाउजेंड आ गया फिर पूछना चाह रहे हैं व्हाट इज द पोर्शन ऑफ करंट एंड नॉन करंट लाइबिलिटी बी प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंडस तो पूछना चाह रहा है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करंट हम कितना दिखाएंगे नॉन करंट हम कितना दिखाएंगे यहां पर तो यहां पर आप देखो ये किसके मामले में बोल रहा है रेवेन्यू तो देखो हम साथ के साथ ही दिखा देंगे ये बोलना चाह रहा होगा ये 135000 के मामले में तो 135000 में हम बोलेंगे 2 साल की हम सर्विस देंगे तो दो साल की अगर हम सर्विस देंगे इसमें से आपका कुछ पोर्सन जो है वो करंट में जाएगा कुछ पोर्सन आपका नॉन करंट में जाएगा इसके लिए मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है अब देखो यहां पर हमें ये देखना है कि कब से सर्विस स्टार्ट हो रहा है सर्विस कब से स्टार्ट हो रहा है कंपनी ने सोल्ड किया सर्टेन आइटम्स कस्टमर को विद आफ्टर सेल सर्विस फॉर ए पीरियड ऑफ टू ईर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच सेल डेट इज फर्स्ट अक्टूबर टू को आपका हो रहा है और पेमेंट हमें मिलेगा एट लाख टेन थाउजेंड ट्वेंटी एट फरवरी को हमें पेमेंट मिलेगा तो यहाँ पर प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में कुछ एक बार देख लेता हूँ मैं पेमेंट ट्वेंटी एट फरवरी को मिलेगा तो यहाँ पर इन्होंने तब मैंने जब कल रीड किया था तो इन्होंने कुछ गड़बड़ किया है फिर यहाँ पर कुछ गड़बड़ किया है पता है हम क्या मान रहे हैं कि ट्वेंटी एट फरवरी के बाद से ही हम हम ये मान रहे ट्वेंटी एट फरवरी के बाद से हम सर्विसेज देंगे और जैसे जैसे सर्विसेज देंगे वैसे वैसे हम रेवेन्यू दिखाएंगे तो टोटल आपका सर्विसेज का अमाउंट आ रहा है वन लाख थर्टी फाइव थाउजेंड और ये ट्वेंटी फोर मंथ्स में दिखाया जाएगा वन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड ट्वेंटी फोर मंथ्स में अगर दिखाया जाएगा तो पर मंथ फाइव सिक्स टू फाइव होगा तो ये मान रहे ट्वेंटी एट फरवरी को और एक और चीज़ भी आपके दिमाग में डाउट आएगा सर यहाँ पर तो पेमेंट डिले हो रहा है तो इसमें फाइनेंस वाला पार्ट भी तो आना चाहिए फाइनेंस वाला पार्ट भी तो आना चाहिए फाइनेंसिंग कम्पोनेंट तो वहाँ पर तो हमने पढ़ा था अगर सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कम्पोनेट नहीं है तो हम इग्नोर भी कर सकते हैं यूजली ट्वेल्व मंथ से कम रहता है तो वहाँ पर हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंट भी ले सकते हैं इग्नोर भी कर सकते हैं और यहाँ पर फाइनेंसिंग कॉम्पोनेंट का कोई जिक्र नहीं है तो हम यहाँ पर इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पर है ना हम इग्नोर कर रहे हैं हम ये मानेंगे तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है हम यहाँ पर रट्टा बोलो ऐसे भी बहुत पुराना क्वेश्चन है टू थाउजेंड एटीन का गलती भी हो सकता है तो हम ये मानेंगे ट्वेंटी एट फरवरी के बाद से ही हम ट्वेंटी फोर मंथ्स तक सर्विस देंगे तो आप सोचो मार्च 2018 का तो एक हम दिखाई देंगे फाइव सिक्स टूट फाइव तो हम ऑलरेडी हम रेवेन्यू दिखा देंगे मार्च का तो उसी पीरियड में दिखा देंगे अब थर्टी फर्स्ट मार्च को हम बोलेंगे ट्वेंटी थ्री मंथस का हमें ट्वेंटी थ्री मंथस का हमें कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी बनाना है जो ट्वेंटी थ्री मंथस का आपका होगा कितना फाइव सिक्स टू फाइव इंटू ट्वेंटी थ्री मंथस का लाइबिलिटी पड़ा हुआ रहेगा यानी वन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड का लाइबिलिटी नहीं रहेगा

वो अगले साल बारह महीने के बाद फर्दर और आपका जाएगा ये नॉन करेंट होगा तो वही इन्होंने लिखा हुआ देखिए सिक्सटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड करेंट सिक्स वन एट सेवन फाइव नॉन करेंट क्योंकि टोटल देखो इधर ट्वेंटी थ्री मंथ्स पेंडिंग है वन मंथ का तो हमने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज ही कर देना फाइव सिक्स टू फाइव हमारा एक महीने का तो हम रिकॉग्नाइज ही कर देंगे थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एटीन को है ना थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एटीन को यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ गलत लगता है थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एटीन होना चाहिए मेरे ख्याल से यस yes, ये प्रॉब्लम है यहाँ पर ठीक है चलो ये क्वेश्चन में उपाय नहीं लास्ट वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है उपाय नहीं हमारे तो ये क्वेश्चन भी मैंने ऐसे करवा दिया अदरवाइज समझा तो दिया बस छोटी सी प्रॉब्लम है मैं कुछ नहीं कर सकता वो ऐसे के प्रॉब्लम है और वो क्वेश्चन पूछने का भी चांस कम है क्योंकि बहुत पुराना क्वेश्चन है टू थाउजेंड एटीन का है तो वो चांसेस बहुत रह रहे है उसको तो अब मेरे ख्याल से ये सारा चीज़ तो हमारा हो चुका है यहाँ पर अब मुझे क्या करवाना मैं देख लेता हूँ ये क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे एकदम ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने इलस्ट्रेशन में किया हुआ है आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा गो थ्रू कर लीजिएगा ये क्वेश्चन में बस मुझे आपको याद है मोडिफिकेशन अगर मैंने कंसेप्ट आपने रिविजन किया होगा तो मोडिफिकेशन में हमने दिखा था कि रिमेनिंग गुड्स एंड सर्विसेज डिस्टिंग है तो जो रिमेनिंग हमें पैसा मिलता है वो हम स्प्लिट कर देते हैं प्रोस्पेक्टिवली अगर रिमेनिंग गुड्स एंड सर्विसेज डिस्टिंग नहीं होता तो क्यूमेलेटिव कैचअप बेसिस में हम दिखाते हैं तो यहाँ पर भी बेसिकली हो क्या रहा है थ्री इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज मिलेगा हर साल वन लाख फिफ्टी थाउजेंड मिलेगा तो दो साल तो वन लाख फिफ्टी थाउजेंड मिला भी हमने दिखा दिया फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है थर्ड ईयर में पार्टी ने एग्री किया मोडिफाई करने का और थर्ड ईयर में हमें पैसा मिलेगा 1, 20, 000, और में और में फर्दर साल के लिए ना एक्सटेंड भी कर दिया गया यानी पहले तीन साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था लेकिन दो साल के बाद अब रिमेनिंग एक साल बचता है हमने और तीन साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करवा दिया तो टोटल रिमेनिंग हमारा और चार साल बचता है जिसमें बोला थर्ड ईयर में हमें पैसा मिलेगा वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड और आगे जो नेक्स्ट इयर्स होगा उसमें हमें वन लाख करके तीन साल तक तीन लाख रुपए मिलेंगे

तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे हम मानेंगे डिस्टिंक्ट है तो हम प्रोस्पेक्टिवली अकाउंटिंग करेंगे क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस में नहीं करेंगे और प्रोस्पेक्टिवली ये कहता है कि रिमेनिंग कितना कंसिडरेशन फ्यूचर में मिलेगा हमें रिमेनिंग फ्यूचर में मिलेगा एक बार वन लाख ट्वेंटी और आगे थ्री लाख फोल्ड लाख ट्वेंटी थाउजेंड हमें नेक्स्ट चार सालों में मिलेगा और उसे नेक्स्ट चार सालों में हम स्ट्रेट लाइन में बांट देंगे तो वन लाख फाइव थाउजेंड करके हम रेवेन्यू दिखा देंगे सिंपल सा क्वेश्चन है ऐसा हमने किया हुआ है इसलिए मैंने ज्यादा माथा बच्ची नहीं किया वो क्वेश्चन में और फटाफट करना था तो मैंने फटाफट करवा दिया आपको क्वेश्चन तो अब मेरे ख्याल से और कोई क्वेश्चन में बोल रहा था ना आपको कोई क्वेश्चन करवाने का कौन सा बोल रहा था मैं कि नहीं है करवा क्या सारा यस yes, एक बार जस्ट फटाफट गो थ्रू करता हूँ फिर रिलेशन फिफ्टी सिक्स मुझे करवाना है आपको ये नहीं है ये नहीं है ये सारे नहीं है हो गया ना आई थिंक सारा अच्छे से करवाए ना समझ में तो आ गया ना सारा एक बार बता दो और समझ में आ गया तो लाइक भी कर दो जितना लाइक होगा उतना उतने बच्चे समझे मैं समझूंगा जितने लाइक होंगे उतने बच्चे समझ गए जितना डिसलाइक होगा उतने बच्चे नहीं समझे चलो जी तो मैंने सारे ही करवा दी आरटीपी एमटीपी के सारे क्वेश्चन हो गए अब आज ही इलेस्टेशन फिफ्टी सिक्स में आते हैं इलेशन फिफ्टी सिक्स में आ जाओ एक ये क्वेश्चन मुझे जहां तक याद है मैंने वो साढ़े छह घंटे के वीडियो में नहीं करवाया था तो फिफ्टी सिक्स में आपको करवा देता हूं। आ जाओ ये देखो इलेस्ट्रेशन फिफ्टी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है टफ क्यों लगता है पता नहीं पर ये है सिंपल क्वेश्चन

एंटिटी ने ट्रांसफर कर दिया लाइसेंस बी एट लाइसेंस बी ए एक महीने के बाद ट्रांसफर होगा तो, तो रेवेन्यू क्या आज दिखाएंगे लाइसेंस ए का कि एक महीने के बाद हमने क्या पढ़ा जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगा जब कंट्रोल ट्रांसफर होगा तभी तो रेवेन्यू दिखाएंगे तो लाइसेंस बी का तो रेवेन्यू इंसेप्शन में दिखा देंगे क्योंकि हमने ट्रांसफर कर दिया

ठीक है मैं समझा रहा बस पॉइंट नंबर बी के कुछ जर्नल बता दूंगा मैं बट पॉइंट नंबर ए में जरूरत भी नहीं है तो लाख ,00 रेवेन्यू कब दिखाया जाएगा महीने के बाद अब रिसीवल टू रेवेन्यू दिखाओ या बैंक टू रेवेन्यू दिखाओ है ना नहीं मिला पैसा तो रिसीवल टू रेवेन्यू एक महीने के बाद सिक्सटीन लाख दिखाओगे लाइसेंस बी के लिए हमें पैसा नहीं मिलेगा कैश फिक्स अमाउंट नहीं मिलेगा लाइसेंस बी के लिए हमें फ्यूचर सेल्स जो होगा कस्टमर का उसका थ्री परसेंट रोयल्टी मिलेगा

वैसे वैसे हम क्या करेंगे हम दिखा देंगे एक महीने के बाद लाइसेंस बी में हम ट्वेंटी लाख ,00 क्या रेवेन्यू दिखाएंगे जब पीओ सेटिस्फाई करेंगे ना ना नहीं दिखा सकते आप बोलोगे क्यों नहीं सर पीओ तो सेटिस्फाई कर दिया हम इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि यहां पर हम अमाउंट

रॉयल्टी मिल रहा है वो भी आपका ट्वेंटी लाख के हिसाब से मिल तो दोनों अलग अलग हम कर देंगे तो लाइसेंस ए का रॉयल्टी से कोई काम नहीं है लाइसेंस बी का रॉयल्टी से मतलब है अब केस बी थोड़ा सा अलग है यही इंपॉर्टेंट है बच्चे यही फंसते हैं ये मैं आपको समझा देता हूँ केस बी में क्या बोला पता है कि जो प्राइस स्टेटेड किया गया कॉन्ट्रैक्ट में कि लाइसेंस ए के लिए हमें फिक्स अमाउंट मिलेगा सिक्स लाख रुपीज जबकि लाइसेंस ए का स्टैंड अलोन प्राइस है प्राइसटीन लाख और लेकिन लाइसेंस ए के लिए हमें फिक्स अमाउंट सिक्स लाख रुपीज मिलेगा और लाइसेंस बी के लिए में थ्री परसेंट की जगह फाइव परसेंट रोयल्टी मिलेगा जिसकी आज की डेट जिसकी आज की डेट में एस्टीमेट प्रेजेंट वैल्यू है थर्टी लाख रुपीज़ तो आप मुझे बताइए क्या यहाँ पर जो हमें कंसीडरेशन मिल रहा है वो वाजिब मिल रहा है लाइसेंस ए का स्टैंड लोन सिक्सटीन लाख है पर हमें फिक्स सिक्स लाख मिल रहा है लाइसेंस बी का स्टैंड लोन ट्वेंटी लाख है हमें यहाँ पर भी रॉयल्टी मिलेगा लेकिन थर्टी लाख हो रहा है क्योंकि थ्री परसेंट की जगह फाइव परसेंट मिलेगा तो इस बार ही हम ऐसा नहीं कर सकते आप बोलोगे सर इस बार भी ऐसा कर दो ना कि जब लाइसेंस ए ट्रांसफर होगा तो सिक्स लाख का रेवेन्यू दिखा देंगे और लाइसेंस बी जब ट्रांसफर होगा तो हम रेवेन्यू कुछ भी नहीं दिखाएंगे हम क्या करेंगे जैसे जैसे, जैसे लाइसेंस बी वाला कस्टमर जो है जैसे जैसे वो रेवेन्यू जनरेट करेगा उसका फाइव परसेंट हम रेवेन्यू दिखा ना जी ना क्यों नहीं कर सकते क्योंकि जो यहाँ पर प्राइस स्टेटेड है लाइसेंस ए और लाइसेंस बी की ये स्टैंड ओलोन प्राइस को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि सिक्स लाख आपका जो है इसकी स्टैंड अलोन सिक्सटीन लाख है थर्टी लाख जो इसकी स्टैंड अलोन ट्वेंटी लाख है तो ये दोनों अलग अलग अब हम नहीं मान सकते तो अब हम क्या माने हम बोलेंगे जबकि यहां पर जो फिक्स जो कंसीडरेशन है वो आपका स्टैंड अलोन प्राइस को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा हम मानेंगे कि सिक्स लाख दोनों का है और थर्टी लाख भी दोनों का है स्टैंडर्ड आपको ये कहता है स्टैंडर्ड कहता है कि आप सिक्स लाख जो है इसमें आप मानो ये ए का भी है और बी का भी है जो थर्टी लाख है इसमें भी आप मानो ए का भी और बी का भी है तो आपको क्या करना है ये सिक्स लाख ,00 को आपको फिक्स जो कंसिडरेशन है ना इसे ए और बी में एलोकेट करना है इन द रेशियो ऑफ देयर स्टैंड प्राइस तो रेशियो क्या ए काटी सिक्स है बी का ट्वेंटी बाई थर्टी सिक्स है का 20 तो हम क्या करेंगे सिक्स लाख इन टू सिक्सटीन बाई थर्टी सिक्स कितना टू डबल सिक्स डबल सिक्स सेवन एक तो आपका आ रहा है टू डबल सिक्स डबल सिक्स सेवन और दूसरा आ रहा है तो so, हम बोलेंगे ए का ये होगा बी का ये होगा तो so, हमने फिक्स कंसीडरेशन को भी दोनों में बंटवारा कर दिया अब मुझे बताओ यहां पर क्या लिखा हुआ है इन्होंने बोला लाइसेंस ए जो है वो अब केस बी में इन्होंने बोला लाइसेंस ये तीन महीने के बाद ट्रांसफर एक महीने के बाद लाइसेंस ये तीन महीने के बाद ट्रांसफर होगा और आपका यहां पर केस बी में एक और बात बता दिया कि फोर लाख रुपीज है ना वो रॉयल्टी ड्यू है फर्स्ट मंथ का सेल का यानी पहले महीने में कस्टमर ने फोर लाख का जो जो कस्टमर ने सेल किया उसका रॉयल्टी हमें लाख मिल रहा है ये है ये है है क्योंकि फाइव ये ये अमाउंट अमाउंट सेल सेल वैल्यू नहीं का रॉयल्टी तो अब मेरी बात सुनो अब हम क्या करेंगे हम इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में हमने लाइसेंस भी तो ट्रांसफर कर ही दिए तो इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में हम ये वाला रेवेन्यू दिखा देंगे बी का लेकिन ए का नहीं दिखाएंगे इन

हम रेवेन्यू इतने का दिखाएंगे बट ये रेवेन्यू नहीं दिखा सकते ये हम कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी मानेंगे आज तो आप बोलोगे सर ये रेवेन्यू कब दिखेगा टू डबल सिक्स सेवन ये दिखेगा तीन महीने के बाद जब तीन महीने के बाद आप लाइसेंस ए को ट्रांसफर करोगे ना तो तीन महीने के बाद ये दिखेगा ये आज नहीं दिखेगा समझ लेना क्योंकि ए का पीओ ट्रांसफर होगा तीन महीने के बाद तो हम समझ गए ये तो आज दिखेगा लाइसेंस बी का रेवेन्यू ये तीन महीने के बाद दिखेगा एग्रीड अब फर्स्ट मंथ में जो फोर लाख मिल रहा है ये फोर लाख भी तो दोनों का है क्योंकि मैंने इस बार क्या बोला फिक्स भी ए भी दोनों का है और रॉयल्टी भी ए भी दोनों में एलोकेट होगा क्योंकि यहां पर स्टैंड एलोन प्राइस रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा कंसिडरेशन तो फोर लाख को भी मुझे क्या करना पड़ेगा बांटना पड़ेगा फोर लाख इंटू सिक्स बाई थर्टी सिक्स ए का होगा फोर लाख इंटू ट्वेंटी बाई थर्टी सिक्स ए का होगा ए और बी का स्टैंड एलोन के हिसाब से आप बताइए फोर लाख इंटू सिक्सटीन बाई थर्टी सिक्स कितना आ रहा है वन डबल सेवन डबल सेवन एट आ रहा है और उधर आएगा 4 लाख 4 लाख 20 36 कितना आ रहा है डबल टू 2222 22, ये आ रहा है तो फर्स्ट मंथ का ये आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो आप चाहो तो तो बताइए फर्स्ट मंथ में हम ये ए का है ये बी का है फर्स्ट मंथ में जो 4 लाख रुपीस मान लो मैं पैसा मिल गया बैंक में 4 लाख आ गया हमारे पास औरल्टी का क्या हम रेवेन्यू दिखा दें बी का तो हम दिखा देंगे क्योंकि बी तो हमने इंसेप्सन में ही इसका लाइसेंस ट्रांसफर कर दिया तो बी से रिलेटेड तो डबल तु, डबल टू तु, टू हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कब करेंगे फर्स्ट मंथ में ही तो आपका हुआ आप बोलो सर ये इंसेप्सन में नहीं हुआ नहीं क्योंकि फर्स्ट मंथ में ही ये रियलाइज हुआ है फर्स्ट मंथ में ही आपका सेल का ये रेवेन्यू हमारा तो बी का तो हम दिखा देंगे बट ए का ये कब दिखाएंगे पता है ये आफ्टर थ्री मंथ क्यों सर क्यों क्योंकि सेल्स तो हो गया है बट आपने लाइसेंस दिए तो अभी तक दिया ही नहीं है लाइसेंस ए तो तीन महीने के बाद ट्रांसफर करोगे और ये पहले महीने में हम नहीं दिखा सकते ये तो आपको ये समझना है कि लाइसेंस ए का ये वाला टू डबल सिक्स अमाउंट जो है यह भी तीन महीने के बाद दिखाओगे और लाइसेंस ए का ये जो फर्स्ट मंथ में भी अगर कुछ मिल रहा है ये भी तीन महीने के बाद दिखाओगे रीजन बिंग लाइसेंस ए अभी तक ट्रांसफर ही नहीं हुआ बट लाइसेंस बी में जीरो डे में इंसेप्शन में आप इतना रेवेन्यू दिखा दो ट्रांसफर कर दिया फिक्स दिया फिक्स अमाउंट का दिखा और एक महीने के बाद जो रॉयल्टी अमाउंट आपका एलिजिबिलिटी है पहला पैसा मिला या ना मिला इतना रॉयल्टी आपका एलिजिबिलिटी है इसका प्रोपोर्शनेट लाइसेंस भी कम दिखा देंगे क्योंकि लाइसेंस भी ट्रांसफर हो चुका है बट लाइसेंस तीन महीने के बाद ट्रांसफर होगा बताइए समझ में आया कि नहीं आया बताओ मुझे इससे बेहतर तरीके से और मैं नहीं समझा सकता अभी फिलहाल क्योंकि अभी फिलहाल टाइम का कंस्टेंट है तो यहां पर मैं जर्नल वगैरह कुछ नहीं मारा मैंने और आई ने जर्नल दिया भी नहीं है अब आप इन इनका सोल्यूशन रीड करोगे मैं वादा करता हूं आपको पूरा समझ में आएगा और अगर नहीं समझ में तो एक बार फिर से रिकॉर्डिंग सुन लो स्टार्टिंग से दो बार तो कम से कम सुनना ही पड़ेगा आपको अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो पर मेरे ख्याल से एक बार में समझ में आ गया बताओ इतना मुझे लगता है कि मैंने बेस्ट समझाया एक बार बताओ समझ में आया कि नहीं आया एक बार बता दो इलेट्रेशन 56 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ प्लीज़ इलेस्ट्रेशन फिफ्टी सिक्स मुझे बता दो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको बता दो और नहीं हुआ जिसका वो एक बार और देख लीजिएगा ठीक है एक बार और देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा मैं इस बात का वादा करता हूँ तो बताओ अगर क्लियर हुआ सर इलेस्टेशन सेवनटी फाइव करवा सकते हो आ रही जी इलेट्रेशन सेवेंटी फाइव है ना आप जाओ जो साढ़े छः घंटे वाला रिविजन वीडियो उसमें आपको वो भी मिल जाएगा आ, मतलब टैग भी मिल जाएगा उसके अंदर और वहाँ से आप है ना देख सकते हो उसमें करवाया मैंने अच्छा तो वहाँ से देख लीजिए अच्छा रहेगा इवन मैंने शायद दो ढाई घंटे का भी एक रिविजन सेशन लिया था उसमें भी मैंने करवाया अभी नहीं करवाऊंगा अभी इस वीडियो को बेकार नहीं करूंगा क्योंकि इसका थमनील जो टाइटल है वो वन वन फाइव आर टी पी एम टी पी है ये डाला बाकी डाल के इस वीडियो को मैं कचरा नहीं करना ठीक है वहां से कर लीजिए जो भी आप क्वेश्चन और एक्स्ट्रा जो भी आप क्वेश्चन बोल रहे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो सारे साढ़े छः घंटे वाले वीडियो में कराए और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर टी पी एम टी पी के यहाँ करवाई दिए इलेन वगैरह के क्वेश्चन जो है वो मैंने वहाँ आपका वहां करवा दिया मैंने बस बात खत्म है ना तो हो जाएगा और रही बात टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन तो जो क्लास वाले बच्चे उनका सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा है ना सॉफ्टवेयर से आप टेस्ट योर नॉलेज के सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा फास्टर बैच में भी है, नहीं है तो मैं देख लूंगा होना चाहिए वहां चलो तो आई थिंक आज का सेशन मजेदार रहा एंड सभी को समझ में कोई भी एक बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया तो मुझे बता दो फटाफट से कोई भी एक बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया और समझ में आए तो जरूर से लाइक करके जाएगा ठीक है बिना लाइक करे मत जाएगा अगर समझ में आए और नहीं आया समझ में तो डिसलाइक करके जाएगा सर मेरा पूरा एफआर आपकी वजह से हुआ थैंक यू सो मच श्रद्धा जी थैंक यू सो मच रोहन जी थैंक यू आरिश जी थैंक यू आखिरी दीजिए मज़ा आ गया सर थैंक यू थैंक यू सो मच आखिरी दीजिए तो आई दी तो थिंक ये पूरा आपका अच्छे से हो गया और कुछ अगर चाहिएगा तो मुझे बताएगा मैं कोशिश करूंगा आगे फर्दर सेशन लेने का बट अच्छा लगा मुझे आज का सेशन मुझे काफी अच्छा लगा नीरज जी भी कह रहे हैं हंड्रेड परसेंट क्लियर है तो आई थिंक सबका क्लियर हो गया एकदम अच्छे से तो क्या इस सेशन को हम यही समाप्त करें ये समाप्त करते इस सेशन को ठीक है चलो तो मुझे भी बाहर जाना है अभी थोड़ा सा तो मैं अभी और वेट नहीं करूँगा एंड हम अब जल्द मैराथन में मिलेंगे एस एफ मैराथन में भी मिलेंगे एफ मैराथन के लिए तैयार है ना ट्वेंटी सिक्स को ट्वेंटी सिक्स को हमारा बहुत अच्छा मैराथन होगा और वहाँ पर हम सेवेंटी मार्क्स के अराउंड हम कवरेज करेंगे वहाँ पर है ना अच्छे से मैराथन के लिए तैयार है ना फ आर मैराथन और एस एफ एम दोनों अच्छा करेंगे एस एफ एम मैराथन भी अच्छा होगा एफ आर मैराथन भी ट्वेंटी सिक्स वाला अच्छा होगा तो और एक और बात बता देता तो एफ आर के लिए आप एटलीस्ट एटलीस्ट आप क्या करिएगा आप है ना समय दीजिएगा कम से कम छः दिन का आप बोलोगे सर नहीं इतना समय नहीं दे सकते पाँच दिन देंगे मैं इसलिए बता रहा हूँ कि छह दिन का समय दोगे तो कल को अगर टाइम लैकिंग हुआ तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम रहेगा आप एक काम कर सकते हो वो वे दिन में आप एक दो घंटा दूसरे सब्जेक्ट को भी पढ़ लेना ट्वेंटी सिक्स से स्टार्ट कर दो एफ आर ट्वेंटी फाइव या ट्वेंटी सिक्स से एफआर स्टार्ट कर दो और जो आपका पढ़ने का था ऐसे ट्वेंटी फाइव या ट्वेंटी सिक्स को जो आप पढ़ते वो आप स्प्लिट कर दो कि आप हर रोज दो दो घंटा पढ़ोगे ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन को ऐसा कर लो लेकिन आप थोड़ा सा एडवांस में एफ के लिए टाइम रखो क्योंकि मैंने देखा है बच्चे लास्ट के चार दिन या पाँच दिन छोड़ते और लास्ट में वो समअप नहीं कर पाते लास्ट में उनका बिखर जाता है एफआर क्योंकि बहुत वास्ट है और वो लास्ट में कैपिटलाइज नहीं कर पाते और पूरा खत्म नहीं कर पाते फिर वो बोलते यार कास में एक दिन पहले स्टार्ट करता कितने सारे बच्चों ने पहले मुझे बोला सर काश में एक दिन पहले एफ आर उठाता तो कितना अच्छा रहता तो इससे मैंने सीखा है और वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा करूँ कि पांच दिन अगर आप समय ले रहे हो तो बाद में आप ऐसा बोल सकते हो कास में एक दिन पहले एफ उठा लेता तो बेहतर है एक दिन एक्स्ट्रा एडवांस में लेके चलो कि कल को कुछ प्रॉब्लम हुआ और अगर खत्म हो जाता है एडवांस में तो अच्छी बात है आप बाद में एक दिन दे देना एस वगैरह को तो अच्छा रहेगा सोचो so, ट्वेंटी फोर या ट्वेंटी फाइव को आप एस एफ एम करोगे या ट्वेंटी सिक्स को एस एफ एम करोगे बाद में ट्वेंटी नाइन वगैरह में दे देना अगर आपको लगता है पोजीशन अच्छी है या हर दो, -दो हर दो दो हर दिन दो दो घंटे दे देना वो कर लीजिएगा बट एटलीस्ट आप छः दिन का समय रखो क्योंकि एफ आर में बहुत इंडेक्स है तो कम से कम छह दिन का समय आप रखिएगा इन केस ऑफ एफ आर और इसीलिए मैं ट्वेंटी सिक्स को स्टार्ट कर रहा हूँ मैराथन ट्वेंटी सिक्स को हम मैराथन लेंगे ताकि मैराथन अटेंड करने के बाद उसके बाद आपके पास पांच दिन का समय रहेगा ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन पाँच दिन का समय रहेगा आपके पास चलो ठीक है तो आई थिंक अब हम सेशन को ये समाप्त करते हैं चलो बाय बाय एवरी वन